All right. तो क्या चल रहा है? बंद कर दो, फॉग चल रहा है, तो आर्थिक मंदी चल रही है, ठीक है? What do you think according to you is an implication of economic slowdown for you people? GDP. क्या होगा GDP? और अजी ट्रेड नीचे आ जाएगा, FDI नीचे आ जाएगा, और क्या? हाँ भाई, आवाज आ रही है? और तेज हो गई, काफी तेज हो गई, ऐसा ना हो दिल की धड़कनें सुन लें। चलिए, ओके ओके ओके, हाँ। और कुछ परचेजिंग पावर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, छोड़ दो ये सब, आपके किसी काम का नहीं है। कंपटीशन बढ़ने वाला है इन योर सिविल सर्विसेज। मैंने आप लोगों के लिए पूछा था, भारत की इकोनॉमी के लिए नहीं पूछा था, ठीक है? तो फैक्ट इज दैट मेनी ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनीज जो कॉलेज से पास आउट होते हैं, उसके बाद जो रिक्रूटमेंट करते हैं ना, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, प्लेसमेंट्स, हाँ प्लेसमेंट, जो कंपनीज प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा बच्चे इनटेक करती हैं, दे हैव स्टॉप टेकिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत कम लोगों को इनटेक कर रहे हैं, जिनको पहले इनटेक किया था उनको रिट्रेंच कर रहे हैं। Whenever there is an economic slowdown, there is a retrenchment of the workforce. एक बिस्कुट खाते थे हम बचपन में, याद है? पार्ले जी। उसने अभी 10,000 लोगों के 10,000 लोगों को जॉब से निकाला है। Similar is the case with other leading industries also. Automobile industry is one of the largest industry that absorbs a lot of workforce. इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जो भी इंजीनियर आके काम करते हो मोस्टली ऑटोमोबाइल या आईटी में जाते हैं, या फिर बाकी इंजीनियर्स यहाँ बैठते हैं। ऑलराइट, इन दैट सिनेरियो, अपने पे मत लेना, मजाक कर रहा था। इन दैट सिनेरियो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ द पीपल टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है? तो हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। सेम इज द केस विद UPSC सिविल सर्विसेज। अब जब गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो क्यों ना टॉप वाली गवर्नमेंट जॉब लें। सो पीपल आर नाउ कमिंग एंड गेटिंग मोर एंड मोर डाइवर्टेड टूवर्ड्स दिस सेक्टर। सो आप लोग थोड़े फॉर्चुनेट हैं दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। आई वंडर फॉर द पीपल हु आर येट टू मेक अ डिसीजन, स्पेशली फॉर 2020 एंड 2021, ठीक है? सो बस यही है, ये बाकी राघव सर आपको बता देंगे इकोनॉमिक्स का। तो आगे चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस India's nuclear doctrine, and that is coming because recently there was a news about no first use policy, which is part of India's nuclear doctrine. So you may make the first heading today, that is Indian nuclear doctrine. Indian nuclear doctrine. All right. Can you tell me when is National Technology Day observed? हाँ? बताइए। National Technology Day. 11th May. Very good. 11th May. And when is National Science Day observed? 28th Feb, ठीक है? दोनों अलग अलग हैं। 28th Feb is National Science Day and National Technology is 11th May. National Science Day आपको पता है किसके लिए celebrate किया जाता है? The birth anniversary of C.V. Raman. All right. He was a physicist who was awarded Nobel Prize. All right. Then 11th May is National Technology Day. It is observed because of Pokhran 2. Pokhran 2. What was the code name of Pokhran 2? Smiling Buddha? That's a wrong answer. Operation Shakti. Operation Shakti.
We tested our second nuclear weapon. Yeah, this was India's second nuclear test. And it was a test of a thermonuclear weapon. It was a test of a thermonuclear weapon. And it was codenamed as Operation Shakti. Jo aap Smiling Buddha keh rahe hain, Smiling Buddha was the first, or you can call it as Pokhran 1. Pokhran 1. And it was conducted on 18th May 1974. So India conducted its first nuclear test on 18th May 1974. That is known as Pokhran 1. Pokhran is the name of the place in Rajasthan. जहाँ पे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट होते हैं. अगर इंडिया में पोखरण में टेस्ट होते हैं तो पाकिस्तान में कहाँ टेस्ट होंगे? बलूचिस्तान. द प्लेस, जैसे दिस इज द पोखरण इज द न्यूक्लियर टेस्ट रेंज फॉर इंडिया. दे हैव सम हिल्स एंड दोज हिल्स आर चगाई हिल्स. चगाई, CHAGHAI, चगाई हिल्स. अगर हम पोखरण में अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ टेस्ट करता है? चगाई हिल्स में. ठीक है, ये रिमेंबर, याद रखना ये चीज. ऑलराइट, सो इन 1974 वी फर्स्ट टेस्टेड आर न्यूक्लियर वेपन इन पोखरण एंड इट वाज नेम्ड एज स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, एंड इज पॉपुलरली नोन एज पोखरण 1. इसके बाद में दुनिया ने हमें डिस्क्रिमिनेट करने के लिए और दुनिया में और न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए, सॉरी, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप होने को रोकने के लिए दे फॉर्म नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. आफ्टर वी टेस्टेड आर पोखरण 2, दैट इज ऑपरेशन शक्ति, वी वर इम्पोज विद सैंक्शंस. हमारे ऊपर यूएस ने सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स वॉज फियरफुल. इनफैक्ट द यूनाइटेड नेशंस वॉज फियरफुल दैट अब अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए then India might go for some kind of catastrophic event in South Asia because the tensions between India and Pakistan have all been to that extent that a war is always round the corner. Theek hai? So at that time United States was quite apprehensive. In fact the United Nations and many progressive countries of the world were apprehensive that India might go for full-scale nuclear war with its adversary in the region, that is Pakistan. However, to avoid such kind of intentions to arise or to avoid these kind of perception to be developed for India, India came out with its nuclear doctrine, that is known as Indian nuclear doctrine. हमने अपना पक्ष साफ कर दिया कि हमने न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाए और हम इसको किस प्रकार से यूज करेंगे. वो जो डॉक्ट्रिन है दैट इज नॉन एज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. It was released to avoid development of another discriminatory group like NSG. क्योंकि हमने first time पर कोई nuclear doctrine release नहीं किया and consequently we got NSG which was discriminatory in attitude towards India. NSG के discrimination के ऊपर हम आगे बात करते हैं. So to prevent any further imposition of the sanctions after Pokhran 2, 1999 में उस वक्त जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे टू द प्राइम मिनिस्टर, हु वाज ही? ब्रजेश मिश्रा. ब्रजेश मिश्रा केम आउट विद द वर्ड्स व्हाई डिड वी डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन व्हिच वर देन फॉर्मली प्रोनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी in 2003 as India's nuclear doctrine. Am I clear? So we came out with a nuclear doctrine in 2003 which was replication of the speech of Mr. Brijesh Mishra as why we developed the nuclear weapon, and for that we should know the features of the India's nuclear doctrine. Clear? All right, but before that it is very important to understand that Indian nuclear doctrine is a national nuclear doctrine. So what is a national nuclear doctrine? लिख लीजिए एक बार, राइट डाउन. अ नेशनल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज अ कलेक्टिव सेट ऑफ बिलीव्स. नेशनल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज अ कलेक्टिव सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स
held by a nation with respect to its nuclear weapons. Change the paragraph. India released its nuclear doctrine. India released its nuclear doctrine to clear doubts and misunderstandings. India released its nuclear doctrine to clear doubts and misunderstandings prevailing around the world. Prevailing around the world regarding India's nuclear weapon policy. Alright? Aur kisne release kari thi? It was released by Cabinet Committee on Security. It was released by Cabinet Committee on Security in 2003. Now let us see what are the features of India's nuclear doctrine. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ने किया, इट प्रोवाइडेड इंडिया विद क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस. इन द कॉन्सिक्वेंट सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट व्हाट आर डिटरेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिटरेंस. ऑलराइट, अभी से ये समझ लो कि इसने इंडिया को इतना पावरफुल बना दिया कि ये किसी दूसरे देश को रोक सके हमारे ऊपर अटैक करने से. दैट थिंग इज नॉन एज डिटरेंस एंड द टाइप ऑफ डिटरेंस दैट इंडिया डेवलप्ड इज क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस. सो विल बी लुकिंग इन टू डिटेल कि वॉट इज मिनिमम डिटरेंस एंड वॉट इज डिफरेंस बिटवीन मिनिमम डिटरेंस एंड क्रेडिबल मिनिमल डिटरेंस. सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक्सप्लिसिटली टॉक्स अबाउट नो फर्स्ट यूज. इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक्सप्लिसिटली टॉक्स अबाउट नो फर्स्ट यूज, यानी इंडिया विल ओनली रिटेलिएट against a nuclear attack by some other country. All right, हम first use नहीं करेंगे, but we will retaliate to any nuclear attack that we will face. हम पाकिस्तान पे पहले nuclear पटाखा नहीं फोड़ेंगे. We will wait कि पाकिस्तान पहले कुछ करे, and after that we are going to release it. All right. Next important thing related to the features of this India's nuclear doctrine. This doctrine actually talks about assured destruction. It's a mutual assured destruction. अब मत बोलिए. आप कई बार देखेंगे India's nuclear doctrine के बारे में लिखा होगा mutual assured destruction. India's nuclear doctrine does not talk about mutual assured destruction. It only talks about assured destruction. इसका मतलब क्या है? When you will attack us, then we will go for the second striking. But ये second strike will be unacceptable damage and the damage will be massive. So it talks about massive and unacceptable damage. हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में हमने साफ साफ लिखा हुआ है that if you are going to attack us using a nuclear weapon, अगर आपने हमें इतना सा भी नुकसान पहुंचाया, हम आपको पूरा नेस्तो नाबूद कर देंगे. विल डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली. क्लियर है? सो दैट इज द पार्ट एंड फीचर ऑफ आर नेशनल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. अनदर थिंग इज दैट our doctrine explicitly says that nuclear weapons will be under civilian control.
इस चीज के लिए हमें दुनिया भर में सराहाया जाता है. ऑलराइट, वी आर क्वाइट अप्रिशिएटेड बाय द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ द कंट्री विल बी अंडर सिविलियन कंट्रोल. न्यूक्लियर वेपन विल बी अंडर सिविलियन कंट्रोल एंड दिस सिविलियन कंट्रोल एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी. थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का जो लॉन्च है उसका कंट्रोल कमांड एंड ऑपरेशन इज विद न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एंड दिस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इज अंडर सिविलियन कंट्रोल एंड नॉट मिलिट्री कंट्रोल. क्लियर? ऑलराइट. अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नो न्यूक्लियर अटैक अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स. हम किसी भी ऐसे स्टेट के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे विच डू नॉट हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. ऑलराइट, सो नो न्यूक्लियर अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन स्टेट. सही है, जग रहे हैं आप लोग. ऑलराइट, अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन, इवन इफ यू गो फॉर यूसेज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इट इज अ सफिशियंट ग्राउंड for us to use our nuclear arsenal. All right, it is not necessary that you use nuclear weapon against us. अगर आपने biological और chemical weapons भी use किए, आपने रासायनिक और जैविक हथियार भी use किए, तो हम परमाणु हथियार use करने में हिचकिचाएंगे नहीं. That is explicitly given in our India's nuclear doctrine. Then we also talk about हमारी doctrine में एक और चीज साफ साफ लिखी हुई है, non-discriminatory disarmament. Non-discriminatory disarmament. And this non-discriminatory disarmament is against nuclear suppliers group. Is against nuclear suppliers group. Alright? क्योंकि disarmament हमारे दुनिया में अभी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के थ्रू करा जाता है. इफ एनीबडी वांट टू जॉइन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप दे हैव टू गो फॉर टू ट्रीटीज, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. ये दोनों इंडिया के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हैं. दे वर एक्सप्लिसिटली फॉर्मुलेटेड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिया. तो इंडिया कहता है येस वी आर रेडी टू गो फॉर डिसआर्मामेंट, बट दैट डिसआर्मामेंट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. इंडिया को किसी दूसरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट के मुकाबले डिस्क्रिमिनेट नहीं करना पड़े चाहिए. Only then we will go for disarmament. All right. Another important feature. India's nuclear doctrine, IND, it proposes negotiation of FMCT. FMCT stands for fissile material cut off treaty. Fissile material cut off treaty. So we want to go for negotiation of fissile material cut off treaty. And next important thing, another thing that we mentioned in our nuclear doctrine, no export of nuclear technology. No export of non-civilian nuclear technology. Non-civilian. Alright? We'll not export any nuclear technology that may result into non-civilian use. What is civil nuclear usage? Energy generation. एनर्जी जनरेशन के अलावा और किसी भी काम में आप न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करने की इच्छा रखते हो तो हम आपको किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर नाभिकीय टेक्नोलॉजी नहीं देंगे. क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, वी विल कंटिन्यू अ मॉरेटोरियम ऑन टेस्टिंग. कंटिन्यूड मॉरेटोरियम. व्हाट इज मॉरेटोरियम? बैन, स्टॉप. कंटिन्यूड स्टॉप ऑन टेस्टिंग. We are not going to test any further nuclear weapons. We are not going to test any further nuclear weapons.
So these are the various features of our nuclear doctrine. India's nuclear doctrine, these are the characteristic features. Kal question aata hai, you have to write these points, you can draw this schematic diagram. Yes. I am going to discuss with you the non-discriminatory disarmament, okay, and I am going to discuss with you the nuclear command authority in the coming section. Okay, so let's first discuss the non-discriminatory disarmament. FMCT bhi discuss karte hain. All right. वो भी आ रहा है अभी, आ रहा है. All right, it will be a comprehensive coverage of this topic. Don't worry. बहुत टाइम है हमारे पास. देखिए, non-discriminatory disarmament. आपको पता है स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को हमने टेस्ट किया. इस टेस्ट से पूरी दुनिया में खलबली मच गई दैट इंडिया हैज अक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन. एक ऐसा देश जिसको आजाद हुए अभी 30 साल भी नहीं हुए, प्रिसाइजली 27 साल हुए, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए. दैट वॉज अ बिग शॉक फॉर द एंटायर वर्ल्ड. टू प्रिवेंट अदर कंट्रीज एंड टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम डेवलपिंग फर्दर न्यूक्लियर वेपन्स, वॉट दे डिड वॉज दे डिसाइडेड टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच इज नोन एज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. The nuclear supply group consists of those countries which have nuclear technology and which have nuclear material. ऐसे देश जिनके पास में nuclear technology भी है और साथ साथ में nuclear material भी है. Nuclear material मतलब uranium. Those which are rich in uranium reserves, they decided to form a group of countries so that no country, according to NSG, एनएसजी में आई हुई कोई भी कंट्री किसी ऐसी कंट्री को न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर नहीं करेगी जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी साइन नहीं की है. जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी साइन नहीं की है. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हैज टू क्लॉजेस. इसके दो क्लॉज है. पहला क्लॉज है नो एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर पावर. नो एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर पावर मतलब जो देश न्यूक्लियर पावर नहीं है, दे विल नॉट इक्विप देमसेल्व्स विद न्यूक्लियर वेपन्स. जो देश न्यूक्लियर पावर नहीं है, दे विल नॉट इक्विप देमसेल्व्स विद न्यूक्लियर वेपन्स. एंड सेकेंड इज डिसआर्ममेंट. जो देश न्यूक्लियर पावर हैं, दे विल ग्रेजुअली गो फॉर डिसआर्ममेंट. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के दो क्लॉजेज हैं. पहला क्लॉज है नो एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर पावर. जो कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं, दे विल नॉट गो फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर न्यूक्लियर वेपन्स, नंबर वन. जो देश न्यूक्लियर पावर नहीं है, दे विल नॉट प्रोक्योर एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज डिसआर्ममेंट. इस पॉइंट का मतलब है कि वो जो भी न्यूक्लियर पावर हैं, दे विल ग्रेजुअली गो फॉर डिसआर्ममेंट. दे विल डिसऑन देयर न्यूक्लियर वेपन्स. तो लोगों ने पूछा कौन कौन है न्यूक्लियर पावर. तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ने कहा जिन जिन के पास 1970 में न्यूक्लियर वेपन थे, दोज कंट्रीज विल बी ट्रीटेड एज न्यूक्लियर पावर्स. एनएसजी कब बना? एनएसजी 18 मई 1974 के बाद बना. इट वॉज फॉर्म आफ्टर 1974 व्हेन इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में जानबूझ के जो ईयर रखा न्यूक्लियर पावर डिटरमाइन करने का, वो क्या रखा? 1970. यानी दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंडिया. दे डिड नॉट वॉन्ट टू कंसिडर इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर. They do not want to recognize India as a nuclear power. Or agar India NPT sign karti hai, to first point ke under India un countries mein fall karegi jinko nuclear power nahi mana gaya. Yani India ko jis din India ne NPT sign kiya, usi din apne jitne bhi nuclear weapons hain, wo kisko hand over karne padenge? International Atomic Energy Agency. Okay, getting my point? 1970 mein 5 desh aise the
जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे. दे वर द परमानेंट फाइव मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. द P5 वर द ओनली न्यूक्लियर वेपन, यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, यानी जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसके लिए जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, बाकी सारे नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं. क्लियर? सो दिस पर्टिकुलर ट्रीटी विच इज एन एंट्री वे टू न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, दीज बोथ ट्रीटीज एंड दिस NSG इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंडिया. That is why India is not signing NPT, neither India is signing CTBT. India says, recognize us as a nuclear weapon state because you signed this, you created this NPT after our nuclear test. तब तक हम nuclear state बन चुके हैं. अगर NPT India को nuclear state accept कर लेती है, on that particular day, India will be more than happy to sign non-proliferation treaty. Getting my point? Why? Then India will fall in the second category. That will go for gradual disarmament. The time limit is not mentioned. आप 100 साल लगाओ, 200 साल लगाओ. It depend upon you. Alright? Clear? Okay? So that is the so this is discriminatory. जो NSG, NPT, CTBT है, this is discriminatory. So, alright? इसके against हमने हमारी nuclear doctrine में साफ-साफ लिख दिया. We are ready to disarm ourselves. But it should be non-discriminatory. Clear ये वाला point? Alright? चलिए. Now we are going to discuss about the Nuclear Command Authority. We are going to discuss, make the subheading as Nuclear Command Authority. The main function of Nuclear Command Authority is command, control, and operationalization of nuclear weapons in India. Three main function hai. They look forward to command the nuclear usage, control the nuclear usage, and operationalize the nuclear weapons. All right. Operationalize the nuclear weapons program in India. They were created, this particular institution was created on 4th January 2003, the same day when India gave its nuclear doctrine. Nuclear Command Authority 4 January 2003 को established की गई थी. ये वही historic दिन है जिस दिन India ने अपना nuclear doctrine release किया था. Alright, the structure is such that it materializes the feature of our, it materializes the feature of our nuclear doctrine that the nuclear weapon will be under the civilian control. Nuclear weapon will be under the civilian control. Yani nuclear command authority mein topmost position pe kaun hoga? Civilian individual. Who is the topmost civilian individual in India? Prime Minister. Alright. So what does it do? It consists of a political council. Iska jo structure hai. We are actually discussing the structure of Nuclear Command Authority. Iske andar sabse upar jo body hai, it is called political council. Political council ke niche hai executive council. So it is a two-tier body consisting of political council and executive council. Executive council consists of bureaucracy. It consists of bureaucracy, yani hamare civil servants. Alright? The civil servants or the bureaucracy or the experts in defense or the experts in defense, including the armed forces bureaucracy, like topmost hierarchical positions, lieutenant general and all these people, they may be made part of the executive council. They may be made part of the executive council, but executive council generally consists of civil bureaucracy. It generally consists of civil bureaucracy and it is chaired by, who is the chairman of executive council? National Security Advisor. The National Security Advisor is the chairman of executive council, and executive council is made up of civil bureaucracy.
What is the purpose of executive council? They assess the situation on ground. Executive council assess कि भैया situation कैसा चल रहा है. They procure inputs from National Technological Research Organization. They take inputs from research and they take inputs from research and analysis wing. यानी इंटेलिजेंस इनपुट्स लेते हैं, उस इंटेलिजेंस इनपुट को असेस करते हैं एंड देन दे रिकमेंड वेदर टू यूज और नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन टू द पॉलिटिकल काउंसिल. द पॉलिटिकल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स, टॉप मिनिस्टर्स. इट विल बी अ डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो हो जाएंगे, साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद होम मिनिस्टर. ठीक है, अगर होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अच्छे दोस्त हो तो और भी अच्छी बात है. ठीक है, सो हु इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल काउंसिल? द पॉलिटिकल काउंसिल विल बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो अल्टीमेटली बेसिकली यहाँ पे आर्मी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही मिनिमल है. दैट इज वाई न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ आर्मी इन्फ्लुएंस एंड इट इज प्योरली फिल्ड इन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द permanent executives, that is the bureaucrats and the politicians, and therefore India's nuclear weapon is under civilian authority. Am I clear? Now, jo nuclear command authority hai, if the prime minister is the opinion, suppose kariye executive council ne opinion di, yes, we should launch nuclear weapons. They advise this thing to political council, and the prime minister also now is the opinion that we should go for launching the nuclear weapon. In that scenario, this decision will be communicated to something different. There is a special section of the force in India that takes control over the nuclear weapons, and that force is known as Strategic Force Command. So what they will do is, nuclear command authority, what will happen? Nuclear command authority will delineate their decision to the Strategic Force Command. Strategic Force Command, and then the Strategic Force Command will launch the nuclear weapons. Strategic Force Command consists of armed forces, and this armed forces will only operate on directions given by nuclear command authority, and nuclear command authority is a purely civilian body. Am I clear? It is purely civilian, it is purely army, and army wali body is functioning under the civilian body. That is why our nuclear weapons are under civilian control. Alright, it is a very prominent dimension of our national nuclear doctrine. Alright, this thing, ये जो structure है, nuclear command authority and strategic force command, इसको popularly बोला जाता है C2 mechanism. It is known as C2 mechanism. General studies paper 3 में अगर पूछ ले, what do you understand by C2 mechanism? So C2 mechanism actually stands for command and control. Command and control. यानी ये दो level provide करता है अपने decision को review करने का. पहला command. जब आप command देने वाले होते हो तब भी आपके पास chance होता है कि आप देख लो कि आपको न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करना है या नहीं करना है. और अगर यहां से कमांड आ भी जाए तो जिनके पास जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कौन करते हैं? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड. इवन दे हैव वन अपॉर्चुनिटी टू अगेन प्रेस फॉर अ रिकंसिडरेशन वेदर टू गो फॉर न्यूक्लियर लॉन्च और नॉट. बिकॉज ऑफ दिस टू टीयर स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ C2 मैकेनिज्म, any launch of nuclear weapon in India will be only after we go for enough consideration. Yani we can say that this C2 mechanism makes the nuclear weapons the efforts of ya fir the instruments of last resort. Jab kuch nahi bachega tabhi hum nuclear weapon use karenge. Getting my point? Because we have a two layered structure, one at command level, one at control level. This is another dimension which is giving a very high credibility to India's nuclear doctrine. Clear hai? All right, chaliye. Can you tell me what is the basic difference between tactical and strategic nuclear weapons? Do tarah ke nuclear weapons hote hain, tactical and strategic.
जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका यूसेज बहुत लिमिटेड होता है. लाइक फॉर एग्जांपल लड़ाई हो रही है अभी जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में, ठीक है. सो वहां पे सिर्फ लिमिटेड बैटल फील्ड में अगर कोई न्यूक्लियर वेपन यूज होता है दैट विल बी नोन एज टैक्टिकल. यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहाँ यूज होता है, सिर्फ बैटल फील्ड में. और जो न्यूक्लियर वेपन के थ्रू आप इंडिया की सिविलियन या फिर स्ट्रेटेजिक एरियाज को कंट्रोल को अटैक करें, इफ यू यूज न्यूक्लियर वेपन्स टू टारगेट सिविलियन पॉपुलेशन वो बन जाते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन. सो देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक. द टैक्टिकल वन आर द वन विच आर एक्सक्लूसिवली यूज ऑन द बैटल फील्ड एंड द स्ट्रेटेजिक वन आर द वन विच आर यूज टू टारगेट इवन द सिविलियन पॉपुलेशन. ऑलराइट. जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, हु इज द चेयरमैन ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ही इज ऑफ द रैंक. स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के जो चेयरमैन है, जो टॉप ऑफिसर है, ही इज ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल इन एयर फोर्स. ही शुड बी ऑफ द रैंक, not necessarily that he should be air marshal, he should be of the rank of air marshal. Air marshal is a four star matlab 1 2 3 4, theek hai. yahan pe unke collar pe unki ek strip lagi hoti hai, uske upar stars lage hote hain, that shows which rank officer you are. At present India ke andar highest position jo hai wo ek 4 star ऑफिसर की है. इट इज एयर मार्शल इन एयरफोर्स, लेफ्टिनेंट जनरल इन आर्मी, जनरल इन आर्मी एंड एडमिरल इन नेवी. सो देयर इज एडमिरल, एयर मार्शल एंड जनरल. ऑलराइट, दे आर 4 star रैंक्स, दे आर द टॉप मोस्ट पोजिशंस इन देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज. जनरल फॉर इंडियन आर्मी, एडमिरल फॉर इंडियन नेवी एंड एयर मार्शल फॉर इंडियन एयरफोर्स. ऑलराइट. सो कभी जनरल इसके चेयरमैन हो सकते हैं, कभी एडमिरल इसके चेयरमैन हो सकते हैं और कभी एयर मार्शल इसके चेयरमैन हो सकते हैं. द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड वॉज, नाम लिख लो, नव करणजीत सिंह ढिल्लों. द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड वॉज नव करणजीत सिंह ढिल्लों. ही वॉज एयर मार्शल, ही वॉज एयर मार्शल. And who is the current chairman of SFC? Teja Mohan Astana. Air Marshal Teja Mohan Astana. Alright? So Teja Mohan Astana is the current chairman of the Strategic Force Command, and the first chairman of the Strategic Force Command was Air Marshal Nav Karanjit Singh Dhillon. Yes? 5 star का एक ही बंदा होता है. 5 star तो फिर वो हो जाता है ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट. हाँ बिल्कुल ठीक है. वो तो है नहीं अभी. नहीं, 4 star जो आपके जो चीफ को लगता है कि वो जो आप बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अबाउट द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ डिफेंस स्टाफ, चेयरमैन ऑफ कंबाइंड डिफेंस स्टाफ कमिटी, CODS बोलते हैं. That is equivalent. जो जनरल होता है वो 4 star रैंकिंग होती है, जो एडमिरल होता है वो 4 star होता है, एयर मार्शल भी 4 star होता है. दे आर इक्वल. वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट, डोंट वरी अबाउट इट. अभी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी की बात करेंगे एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सजेस्ट सम ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेज के स्ट्रक्चरिंग में कुछ रिफॉर्म्स हैं. एम आई क्लियर? यस. एयर चीफ मार्शल इज द टॉप रैंक एंड एयर मार्शल इज द सेकेंड लास्ट. ठीक है. तो लेकिन जो एयर मार्शल है, ही इज 4 star. एयर चीफ मार्शल इज ऑल्सो 4 star. एयर चीफ मार्शल इज अ ऑनरेरी पोजिशन. ऑलराइट. द पर्सन विल बी हेडिंग द इंडियन एयरफोर्स विल बी एयर चीफ मार्शल, बट ही इज ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल. मतलब वो एक ऑनरेरी पोजिशन आपने बना रखी है, दोनों होते 4 star रैंक हैं. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द FMCT, फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी. ऑलराइट. फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी. फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो काफी टाइम से डिस्कस होती जा रही है, लेकिन कभी भी सीरियस नेगोशिएशन इसके ऊपर हुई नहीं. एक्चुअली दिस ट्रीटी वांट टू कट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ फिसाइल मटेरियल इन द ग्लोबल कॉमन. यानी दुनिया में जो भी फिसाइल मटेरियल को सर्कुलेट करने की जितनी भी मात्रा है, इट विल बी कट ऑफ. दैट इज, इट वॉन्ट टू रेगुलेट न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल
material. And what does it consist of? It consists of uranium-235 and plutonium. In dono ko regulate karna hai. You need to control plutonium and uranium-235 circulation in the world. So that what will happen? Nuclear weapons cannot be proliferated. Bas itna sa kaam hai. Ye 1967 mein pehli baar introduce hui thi. From 1967 till 2019, 45 years have passed. No serious discussion has been ever been possible on this. Kabhi na kabhi koi na koi objection kar deta hai. Kabhi US kar deta hai, kabhi Russia kar deta hai, kabhi apna chota bhai Pakistan kar deta hai. Yes. So thorium is not included here. That is why we are going forward to our thorium based reactors. Why thorium cannot be used in nuclear weapons? Theek hai? It is not possible to use thorium in nuclear weapons. Chaliye. Plutonium and enriched uranium. Enriched, alright, plutonium and enriched. Ye yaad rakhna, it is not just uranium, it is enriched uranium. What is enriched uranium? Jo uranium hota hai, naturally wo uranium-238 ki form mein milta hai. It cannot be used in nuclear reactors or nuclear weapon. What you have to do is, you have to first convert it into uranium-235. The process of conversion of uranium-238 into uranium-235 is known as enrichment. Enrichment. Clear? Agar 5 se 10% tak uranium enriched hota hai, it can be used in civil nuclear energy generation. Civil nuclear energy generation. But agar aap enrichment ka percentage 15 se 20% kar do, to it will be used for development of nuclear weapon. अगर आपने एक महीने पहले का अखबार पढ़ा हो तो उसमें ईरान के मिनिस्टर ने साफ साफ बोला, वी हैव ह्यूज स्टॉकपाइल्स ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम. वेपन ग्रेड मींस इट इज एनरिच्ड टू 20% और मोर. द कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 इज 20% और मोर. दैट इज नोन एज वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम. एम आई क्लियर? ऑलराइट, चलिए. Now before going ahead, let's talk about the different type of deterrents. Let's talk about different types of deterrents. Types of deterrents. Deterrence means to stop. Alright? किसी को स्टॉप करना. ऑलराइट, यू ट्राई टू डिटर सम एक्शन ऑफ समबडी, उसके एक्शन को होने से रोकना. सो दैट फिनोमिना इज नोन एज डिटरेंस. द टाइप्स ऑफ डिटरेंस बेसिकली एग्जिस्ट. एक होती है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस. देयर इज स्ट्रेटेजिक डिटरेंस. सेकंड इज मिनिमम डिटरेंस. एंड इसका थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन होता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस. ऑलराइट, सो देयर इज स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, देन देयर इज मिनिमम डिटरेंस, थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस. एंड द थर्ड इज फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस. द थर्ड वन इज फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस. देयर आर थ्री types of deterrence: strategic, minimal or minimum, and third is full spectrum deterrence. Strategic deterrence simply means, are you? Strategic deterrence simply means possession of nuclear weapons. Possession of nuclear weapons. Alright, isme minimum kuch nahi hai. We will have nuclear weapons, we will develop them to the fullest. First use will be considered. You develop nuclear weapons so that आपके तरफ कोई देख भी ना सके. Alright? You proliferate them. You also include first use.
अगर आपने हमें किसी भी प्रकार से तंग किया, चाहे आप कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन, चाहे आप कन्वेंशनल वेपन का हमें को हमें डराओ, कुछ भी करो, वी विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन. दिस इज बेसिकली नोन एज स्ट्रेटेजिक डिटरेंस. इट इज जस्ट सिंपली मीन्स पजेसिंग न्यूक्लियर वेपन. हाउएवर इन कंटेम्प्रेरी टाइम, दिस पर्टिकुलर strategic deterrence is now undergoing a shift. The shift is that it is shifting from, strategic deterrence is shifting from proliferation of nuclear weapons to something different, and that is development of ballistic missiles defense system. So the strategic deterrence today is shifting from not merely having or possessing nuclear weapon, but also expanding to include the defensive strategies. And the defensive strategies is development of missile defense systems. All right, when strategic deterrence develop hua, us time pe sirf ikka dukka desho ke paas mein nuclear weapon the, so they were just using offensive deterrence as a mechanism for strategic deterrence. Offensive deterrence matlab nuclear weapon badhate raho aur hamesha aankh dikhate raho, that हमें छेड़ के दिखाओ हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे, that is known as strategic deterrence. However, with the change in technological scenario, almost every country now possessing the nuclear weapon, the things have changed. The things have changed in such a manner कि आप ऑफेंसिव होने के साथ साथ आपको डिफेंसिव होना भी जरूरी है. So the scope of strategic deterrence has expanded from being offensive deterrence to now also including defensive deterrence. यानी strategic deterrence के दो combination क्या क्या हैं? There is an offensive deterrence plus defensive deterrence आज की date में. And why we are going for defensive deterrence? Because almost every country in the world today consists of, not every country, मतलब जो भी उछल कूद करने वाले देश हैं उन सबके पास में क्या है? Nuclear weapon है. So offensive deterrence has reduced. And now we have to include what? That is defensive deterrence. So defensive deterrence can be seen in development of ballistic missile defense system plus cut off in budget for nuclear fuel and increasing it for cyber technologies. Cyber technologies. Can you name the country which has gone for inclusion of defensive deterrence as part of its strategic deterrence? China. China has recently cut down a lot of military expenditure. और जितना भी expenditure उन्होंने military में cut किया है, किधर expand कर दिया? Technological advancement, particularly cyber technologies, particularly outer space technologies. So today, strategic deterrence is not just about development of nuclear weapons, but it is also about developing defensive technologies in the form of ballistic missile defense systems, in the form of cyber technology advancement, and in the form of outer space research. How outer space is important? Have you seen an anti-satellite missile of India? Anti-sat. Why did we do that? We can now target any wrong satellite of any other country which is trying to spy on our land. ये तभी possible है जब आप ये technologies develop करो. कितने nuclear weapon चाहिए हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? अगर पाकिस्तान ने हमें suppose करो कभी nuclear weapon हमारे ऊपर attack किया, कितने nuclear weapon चाहिए? 5-6 maximum. ठीक है, साथों में तो अपना भाई अफगानिस्तान भी damage हो जाएगा. ठीक है, so very few. How many nuclear weapons we have? What is your source? We don't know. We don't know. Indian, no government will come out and open and tell you ki humare paas itne nuclear weapons rakhe hain. But from unknown sources, wo Hindi mein kehta hai na, agyat sutro ke hawale se khabar mili hai ki humare paas 150 se 300 nuclear weapons hain. So that's a very wide range. 150 se 300. We do not know the exact number. Pakistan ke hamein humse thode se jyada hai. Theek hai? Lekin wo dobara use karne ka mauka usko milega nahi. All right? Chaliye. Now
second type of deterrence, that is minimum deterrence. Minimum deterrence also talks about development of nuclear weapon. It also talks about development of nuclear weapon, lekin only to that amount जहाँ पे हम दुश्मन को डरा सकें. एक होता है कि हम बस प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं, हमें कोई डराने की जरूरत नहीं है, हम डेवलप करते रहेंगे और दुश्मन अपने आप डरता रहेगा. दैट इज स्ट्रेटेजिक डिटरेंस. बट इन क्रेडिबल, इन मिनिमम डिटरेंस, नॉट क्रेडिबल, मिनिमम डिटरेंस, यू आर डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन ओनली टू द पॉइंट दैट यू कैन मेक द एडवर्सरी फियर ऑफ यू. वो आपको अटैक नहीं करेगा क्योंकि आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, या वो आपको अटैक नहीं करेगा क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है. गेटिंग माय पॉइंट? हियर नो फर्स्ट यूज इज अ प्राइमरी थिंग. नो फर्स्ट यूज, मिनिमम डिटरेंस. इन स्ट्रेटेजिक डिटरेंस देयर इज नथिंग लाइक नो फर्स्ट यूज. इट्स जस्ट एज कि आपने हमें परेशान किया, हम आपको डेटोनेट कर देंगे. लेकिन इन मिनिमम डिटरेंस यू जस्ट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स टू द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू डिटर your adversary from launching any kind of offensive attack upon you. Clear? This is minimum deterrence. So no first use is the characteristic feature of minimum deterrence. What do you mean by credible minimum deterrence? Wo minimum deterrence jiski credibility ho. Wo minimum deterrence jiski credibility ho, that is known as credible minimum deterrence. Yani, suppose karo ki Pakistan bole ki no first use. Consider the scenario. Pakistan says no first use, or India has strategic deterrence. Suppose consider the situation, India has strategic deterrence कि अगर आपने हमारे ऊपर even एक bullet भी fire करी, हम आपके ऊपर nuclear weapon गिरा देंगे. India is having strategic deterrence, suppose, ठीक है? और Pakistan कहता है no first use. और Pakistan ने suppose करो कभी कोई गोला हमारी तरफ फेंक दिया, और हमने उसके ऊपर nuclear weapon गिरा दिया, कहेगा no first use, बचेगा ही नहीं use करने के लिए. तो किस चीज का मिनिमम डिटरेंस? मिनिमम डिटरेंस क्या तो इक्वल के बीच में होता है, या फिर मिनिमम डिटरेंस कैन बी बिटवीन इंडिया विच इज अ लार्ज कंट्री अगेंस्ट पाकिस्तान विच इज अ स्मॉल कंट्री. एक बड़ी पावर इंफीरियर पावर के अगेंस्ट मिनिमम डिटरेंस यूज कर सकती है, एक छोटी पावर बड़ी पावर के लिए मिनिमम डिटरेंस यूज नहीं कर सकती. गेटिंग माय पॉइंट? नो फर्स्ट यूज के बाद सेकेंड यूज के लिए कुछ बचा हुआ तो होना चाहिए. जब वो बचा हुआ कुछ होगा, दैट विल ब्रिंग क्रेडिबिलिटी. और वो क्रेडिबिलिटी आती है बाय सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी. इट कम्स बाय सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी. अभी जब इंडिया ने आईएनएस अरिहंत लॉन्च किया, आईएनएस अरिहंत, व्हाट इट इज? इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है? दिस मेड इंडिया अ ब्लू वॉटर नेवी. This made India a blue water navy. That was the title associated with INS Arihant. How many of you don't know what is blue water navy? We'll discuss. I'll come to that. So INS Arihant, जब हमने release करी, जब Indian Navy ने इसको adopt किया, at that time credible minimal deterrence was very much in news, particularly because of the second strike capability. कि चलो ठीक है, मान लो कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर nuclear weapon use किए, but we have nuclear weapon on our airplanes, we have nuclear weapon on our land, and we have nuclear weapon on our naval vessels, submarines, such that kitno ko barbaad karoge, koi na koi to bachega, and then we will strike back, and we will strike with massive and unacceptable damage. That is known as credible minimal deterrence. India's credible minimal deterrence is now complete because of Triad, because of development of Triad. What is Triad? You are having land capability to launch nuclear weapon, you are having sea capability to launch nuclear weapon, and you are having air capability to launch nuclear weapon. Is BrahMos a nuclear missile? Yes, it can carry nuclear warhead. And आपने अभी recently सुना भी होगा और हमने शायद discuss भी किया है कि airplane से launch करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी टेस्ट हो चुकी हैं। द मोमेंट इट इज इंडक्टेड आवर एयर थिंग इज कंप्लीट, वी कैन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम एयर इनटू आवर एडवर्सरी. गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली हमारी कन्वेंशनल सबमरीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेंशनल सबमरीन एंड अ न्यूक्लियर सबमरीन? कन्वेंशनल सबमरीन इज जनरली डीजल बेस्ड,
कन्वेंशनल सबमरीन डीजल से चलती हैं, न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती हैं. देयर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर व्हिच इज इंस्टॉल्ड ऑन न्यूक्लियर सबमरीन. इफ आई से दैट इंडियन नेवल सबमरीन अरिहंत इज अ न्यूक्लियर सबमरीन, आई मीन टू से दैट INS अरिहंत विल हैव अ न्यूक्लियर रिएक्टर. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ न्यूक्लियर सबमरीन ओवर अ कन्वेंशनल सबमरीन? कन्वेंशनल सबमरीन व्हिच रन ऑन डीजल, दे हैज इंस्टॉल्ड बैटरीज. अब बैटरीज गैस प्रोड्यूस करती हैं, डीजल बर्न होने से गैस प्रोड्यूस होता है, तो टाइम टू टाइम आपको सरफेस पे आना पड़ता है उस गैस को रिमूव करने के लिए. द कन्वेंशनल सबमरीन विच आर डीजल पावर्ड सबमरीन, दे हैव टू कम टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस. गेटिंग माय पॉइंट? और जैसे ही सबमरीन ऊपर आती है तो वो डिटेक्ट हो जाती है. सो द स्टेल्थ, इसे स्टेल्थ बोलते हैं, STALTH. The stealth of submarine may be compromised. वो submarine किस काम की जो detect हो जाए? Submarine is a stealth weapon. Germany World War II सिर्फ इसलिए हारा because उनकी जो submarine होती थी, जो Germany U-boats बोलता था, they were getting detected. And because they were getting detected, they were targeted and they were destroyed. They were getting detected because of decryption of Enigma code. ठीक है, ये साइंस एंड टेक या फिर सिक्योरिटी की कभी आप बैच लगाएंगे उसमें डिस्कस हो जाएगा, वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल नाउ. बट लेकिन अगर सबमरीन अगर डिटेक्ट हो जाती है और उसका स्टेल्थ कवरेज ब्रेक हो जाता है तो सबमरीन किसी काम की नहीं है. इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल सबमरीन, जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकती है. थिंक अबाउट दैट सिनेरियो व्हेन देयर इज एन इमिनेंट न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. In that scenario, Arihant कहाँ है समुद्र में, कहाँ है? Only Indian top agencies know. Even Pakistan is not aware of that. Even if Pakistan goes for nuclear attack and we loses our air and land-based striking capability, we always have a nuclear submarine in the form of INS Arihant. वो अपना काम पूरा कर देगी. That is massive and assured destruction, unacceptable damage to the country which goes for first use against India. Clear? So that is credible minimal deterrence. We are not going to develop nuclear weapons to show off. हमने 1998 में nuclear weapon develop किया. After that we developed some 100 to 150 to 300. Maximum मान लो 300. We have developed 300 nuclear warheads. Getting my point? But we are also now signed a moratorium on testing with the international agencies. हमने अंतर्राष्ट्रीय समाज के साथ में ये बोला है कि we are not going for any proliferation or any new test. Why we do that? Because we have developed our nuclear weapons that provide us credible minimum deterrence. So can, are you clear with minimum deterrence and credible minimal deterrence? ठीक है? The third is full spectrum deterrence. Full spectrum deterrence का मतलब है, you need to be prepared from all dimensions. You need to be prepared from all dimensions. आप अपनी कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी न्यूक्लियर वेपन बनाओगे, आप अपनी क्रूज मिसाइल्स को भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाओगे. गेटिंग माय पॉइंट? एंड यू आर आल्सो गोइंग टू यूज न्यूक्लियर पावर इन योर टैक्टिकल वेपनरी. व्हाट इज टैक्टिकल? व्हिच इज यूज्ड ओनली इन द बैटलफील्ड. इंडिया डज नॉट हैव टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपनरी. इंडिया सेज वी रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग न्यूक्लियर वेपन एट ऑल. अगर हम यूज करेंगे तो स्ट्रेटेजिक ही यूज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी टैक्टिकल. Pakistan has developed tactical nuclear weapons. That is known as full spectrum deterrence. जहां पे भी मौका मिले न्यूक्लियर वेपन टिका दो, क्योंकि पता नहीं कब इंडिया हमें बर्बाद कर दे. Getting my point? So full spectrum is every dimension, every spectrum of your armed forces, you are deploying nuclear weapons. You are deploying nuclear weapons in the battlefield. You are deploying nuclear weapons for strategic purpose. You are equipping your conventional submarines. You are equipping your cruise missiles. You are equipping your tactical weaponry. This is known as full spectrum deterrence. Pakistan goes with full spectrum deterrence. India goes with credible minimal deterrence. Am I clear? Countries like US, Russia, they have strategic deterrence. China has strategic deterrence. Am I clear? ठीक है? Okay. Now make the subheading as critical analysis of India's nuclear doctrine. Critical analysis of China no first use policy use करता है.
इट डस. वो इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से पहले दे वेंट फॉर लार्ज स्केल प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड नाउ दे हैव ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव बोथ. ये अभी चेंज हुआ है चाइना की पॉलिसी में. ऑलराइट, चलिए एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. पहली चीज, इफ वी लुक properly at our nuclear doctrine, we can say that we have developed our nuclear doctrine only for defensive purpose. Hai ki nahi? Alright, likhi number one, first point. The credible minimum deterrence with no first use. The credible minimum deterrence with no first use and no use against non-nuclear states. With no use against non-nuclear states imply the credible minimum deterrence with no first use and no use against non-nuclear states implies that India's nuclear capabilities are for defensive purpose alone. Implies that Indian nuclear capabilities are for defensive purposes alone. Second, India explicitly expresses its intention. India explicitly expresses its intention of massive retaliation to countries with ulterior motives. To countries with ulterior. What is ulterior? नीच. ठीक है, नीच मतलब हमारे खिलाफ बुरे जो सोच रखते हैं, वो कहते हैं ना बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. Ulterior. All right. Next, India has because of civilian control. Third point है because of civilian control. And C2 mechanism, because of civilian control and C2 mechanism, India has been portrayed as a pacifist country. Pacifist, PACIFIST, pacifist कंट्री. पैसिफिस्ट कंट्री इज वो देश जो शांति लाना चाहता हो. ऑलराइट, शांति के प्रतीक देश को बोलते हैं पैसिफिस्ट कंट्री. ऑलराइट, सो द सी2 मैकेनिज्म एंड सिविलियन कंट्रोल हैज पोर्ट्रेड इंडिया एज अ पैसिफिस्ट कंट्री एंड इंडिया हैज अर्नड अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी in global community. And the last important positive feature of our nuclear doctrine, effective intelligence and early warning capabilities. Effective intelligence and early warning capabilities have been given center stage. Early warning capabilities have been given center stage in India's nuclear doctrine. यानी हमारा जो nuclear doctrine है, it is totally based on effective intelligence and early warning capabilities. All right. Because of these characteristic features of India's nuclear doctrine, we are the only country in the world to procure nuclear suppliers group waiver. In the year 2005 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी
जिसके तहत इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए सारी की सारी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप कंट्रीज ने एग्री किया दैट इंडिया को हम न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं दैट विल बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन. इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड सिंस द टाइम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड नो कंट्री कुड एवर गेट मटीरियल फ्रॉम एनएसजी मेंबर्स विदाउट साइनिंग एनपीटी एंड सीटीबीटी. देयर इज अ कंट्री विच इज वेरी मच अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स एंड दैट इज जापान बिकॉज इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज फेस्ड टू न्यूक्लियर वेपन्स, फैटमैन एंड लिटिल बॉय. एम आई राइट? पहले लिटिल बॉय था, फैटमैन था? फैटमैन. 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9th में नागासाकी, 9th अगस्त 1945 नागासाकी एंड दैट वॉज लिटिल बॉय. फैटमैन एंड लिटिल बॉय आर द टू न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्लूटोनियम बेस्ड विच वर यूज ऑन जापान बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. जापान जैसी कंट्री विच इज सिवियरली अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स एट ऑल, they have supported India's nuclear program, civilian nuclear program, and they were happy country when we got NSG waiver. NSG ne hame bina NPT aur CTBT sign karne ke bawajood humko bol diya ki you can go for procuring nuclear material from the countries which are nuclear suppliers. So it is a strategic victory for India's nuclear doctrine. Am I clear? Ek note likho fatafat. It is a strategic victory for India's nuclear doctrine. It is a strategic victory for India's nuclear doctrine that India is the only country of the world to get NSG waiver. India is the only country of the world to get NSG waiver, WAIVER waiver, to procure nuclear material from NSG waiver, to procure nuclear material, to procure nuclear material from NSG members, nuclear material from NSG members, nuclear supplier groups member. Kitni countries are NSG mein? 48 countries are the member countries of NSG. India can negotiate and procure material from the various 48 countries. Aur jab humne civil nuclear deal signed 2005 mein with US and we got NSG waiver, uske baad se hum Canada, Australia, Kazakhstan aise countries se material procure kar rahe hain to be used only for civil energy generation. Am I clear? One deal is still pending and that is with Namibia. Namibia is a country in Africa, all right, and soon we might get final clearance from them and we can also procure further nuclear material for our civil energy generation. Am I clear? All right, make the subheading as. So basically what was this news? हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ही सेड दैट द नो फर्स्ट यूज फ्रेज इन आर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस. इट इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस, मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर कल सर्कमस्टेंसेस बदले तो वी माइट गो फॉर शिफ्टिंग आर नो फर्स्ट यूज टू फर्स्ट यूज. एम आई क्लियर? सो दैट हैज डायल्यूटेड द मिनिमल डिटरेंस or the credible minimal deterrence philosophy of India's nuclear doctrine, converting India into a strategic deterrence state. It has certain repercussions jo hame discuss karna hai. So you will be making the first heading as arguments in favor of no first use. Kal question aa jaye, should we go for or should we not go for no first use elimination? So arguments in favor of no first use. देखिए, एक्चुअली इट इज द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ आर कंट्री जिसकी वजह से
हमें एनएसजी का वेवर मिला, जिसकी वजह से हमने कई कंट्रीज के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करे, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान. ऑलराइट, इट इज बिकॉज ऑफ आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दैट दोज कंट्रीज विच आर स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन आर हैविंग गुड रिलेशंस विद अस, लाइक जापान. इट इज बिकॉज ऑफ आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की जो इकोनॉमिक सैंक्शंस और जो सैंक्शंस इंडिया के ऊपर इम्पोज किए थे आफ्टर द मिशन शक्ति, दे वर टेकन ऑफ वेरी क्विकली विद इन अ मैटर ऑफ टू थ्री ईयर्स भी नहीं हुए थे, ये जो सैंक्शंस हमारे ऊपर लगे हुए थे वो फटाक से यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस ने विड्रॉ कर लिया. सो वॉट डज इट शो? इट शो दैट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन शोज इंडिया एज अ पैसिफिस्ट एंड अ क्रेडिबल कंट्री, एंड दिस क्रेडिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ क्रेडिबल मिनिमल डिटरेंस, एंड द पिलर और द कॉर्नर स्टोन ऑफ क्रेडिबल मिनिमल डिटरेंस इज नो फर्स्ट यूज. सो इफ यू आर गोइंग टू चेंज नो फर्स्ट यूज, इट विल टार्निश इंडियाज इमेज इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. एम आई क्लियर? सो इंडिया को नेगेटिव वे से प्रेजेंट किया जाएगा दुनिया भर में, और हमारा जो छोटा भाई है वो इस चीज़ के लिए रेडी बैठा है कि हल्की सी मिस्टेक करें एंड वी विल देन वॉट विल डू, वी विल शेम इंडिया इन पब्लिक. अगर इंडिया एनएसजी में, अगर इंडिया इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर नो फर्स्ट यूज को हटा देता है, इंडियाज एंट्री इन टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल बी ऑलमोस्ट ओवर. दे आर मेनी अदर नेगेटिव थिंग्स. लिखो नंबर वन, नो फर्स्ट यूज इज द सोर्स ऑफ मेजर गेन्स फॉर इंडिया ग्लोबली, इज द सोर्स ऑफ मेजर गेन्स, GAINS, major gains for India globally. For example, it was because of no first use. For example, it was because of no first use that India got entry into. It is because of no first use that India got entry into missile technology control regime. MTCR, Missile Technology Control Regime. Can you associate it? है ना, MTCR में हम member बने हैं. Next, second, India is in civil nuclear cooperation with multiple countries. Alright, तो first चीज क्या थी? Entry into MTCR. Second thing is India's civil nuclear cooperation with multiple countries. Next, NSG waiver. And the last, upliftment of sanctions after Operation Shakti. All right, these are the various types of global gains that India received because of its no first use. सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ नो फर्स्ट यूज, अगर आप नो फर्स्ट यूज को हटा देते हो, इट विल स्टार्ट एन आर्म्स रेस. इफ इंडिया इज सेइंग नो फर्स्ट यूज, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और इट इज स्लोली प्रोलिफरेटिंग, चाइना इज एट पीस, ऑलराइट, ऑल अदर नेबरिंग कंट्रीज आर एट पीस बिकॉज ऑफ इंडियाज नो फर्स्ट यूज. Getting my point? So, अगर हम no first use हटा देते हैं, what will happen? It will start a new arms race. Every country will start trying to procure nuclear weapon in our vicinity. लिख लो. Second, it will promote arms race and destabilize geopolitics. It will promote arms race and destabilize geopolitics. Next, India's dream of entry into UNSC, India's dream of entry into US UNSC as a permanent member. Will be broken
as a permanent member will be broken. All right, another thing, if you are changing your son from no first use to first use, you will be required to uplift the standards of your surveillance, intelligence and reconnaissance. क्योंकि छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, because once a nuclear weapon is launched, it can result into a massive conflict or the third world war. The today almost every country has weapons of mass destruction. और ये आइंस्टाइन ने आज से 80 साल पहले खुद ने ये चीज बोली हुई है. I don't know with what World War III will be fought, but I know that World War IV will be fought with sticks and stones. Can you relate it? Einstein said, Albert Einstein ne aaj se 80 saal pehle ye cheez bol di thi, I do not know with what World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. Matlab World War III ke baad puri duniya khatam ho jayegi. To the level kuch nahi bachega. Aur wapis sab kahan chale jayenge? Aadi manav kal mein. Aur aadi manav kaise ladte the? पत्थर और डंडियों से. ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. ऑलराइट, चलिए लिख लीजिए, राइट डाउन. द फर्स्ट यूज शैल डिमांड फुल प्रूफ इंटेलिजेंस. द फर्स्ट यूज शैल डिमांड फुल प्रूफ इंटेलिजेंस सर्वेलेंस इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड reconnaissance, 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 full stop. There is no room for any mistake. Reconnaissance, full stop. There is no room for any mistake. राइट, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ नो फर्स्ट यूज, अगर आपने फर्स्ट यूज में कन्वर्ट कर लिया अपने आपको, तो फिर ये कन्वेंशनल वेपन का क्या करोगे? राइट, सो इट डिनाइज द अपॉर्चुनिटी टू यूज कन्वेंशनल वेपन्स. लिख लो, द फर्स्ट यूज विल डिनाई इंडिया अपॉर्चुनिटी टू एंगेज. Will deny India opportunity to engage in conventional warfare. Will deny India opportunity to engage in conventional warfare. All right. Make the subheading as arguments against no first use. Arguments against no first use. देखिए, सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट नो फर्स्ट यूज के अगेंस्ट है वो ये है कि नो फर्स्ट यूज आपको प्रॉपर प्लानिंग करने में रोकता है. अगर टेंशन एस्केलेट हो रही हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यू विल नॉट गो फॉर इवन टॉक्स ऑन न्यूक्लियर वेपन अंटिल एंड अनलेस सिचुएशन वर्सन्स. और अगर सिचुएशन एक बार वर्स हो गई तो सामने वाली पावर को अटैक करने में कितना टाइम लगेगा, और आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं होगा हाउ यू आर गोइंग टू रिटेलिएट सेकेंड टाइम. गेटिंग माई पॉइंट? सो नो फर्स्ट यूज इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर डिफेंस प्लानिंग. एम आई करेक्ट? लिख लो फटाफट. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट नो फर्स्ट यूज, नंबर वन, नो फर्स्ट यूज इज डिक्लेयर्ड एज अ लायबिलिटी इन सीरियस वॉर प्लानिंग. In serious war planning. Second, no first use जो है वो आपके देश में पहले ही लार्ज स्केल लेवल पे पॉपुलेशन को हार्म पहुंचा चुका होगा, लार्ज स्केल लेवल पे सिटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंच चुका होगा, एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल. यू आर पुटिंग योर पॉपुलेशन इन पेरिल एंड इट इज इमोरल. किसके लिए देश है? जनता के लिए. तो पहले जनता को बचाओ. नो फर्स्ट यूज में तो हमारी काफी जनता निकल लेगी.
है ना, किसके लिए लड़ोगे फिर? लिख लीजिए सेकंड, NFU includes unacceptably high, NFU includes, no first use includes unacceptably high casualties and damage to population, unacceptably high casualties and damage to population, cities and infrastructure. Third point, it is morally incorrect. It is morally incorrect to put population in peril or danger. It is immoral. It is morally wrong. All right, it is morally wrong to put population in peril, P-E-R-I-L, peril or danger. And then, no first use के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है. कैसे? आपको no first use के लिए first use को खत्म करना पड़ेगा. No first use के लिए दुश्मन के first use को mitigate करना है. उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? Ballistic missile defense, which is expensive. आपने S-400 Triumph missile खरीदी, which is known as ballistic missile defense. किस देश से? रशिया. उससे आपके दूसरे देश के साथ relations खराब हुए? US. So that is a kind of geopolitical disadvantagement also, disadvantage. And apart from that, there is one more thing, that is second strike capability to banani padegi. Second strike capability itself is very expensive. Aapko INS Arihant leni padi lease ke upar. You are paying huge amount to Russia. Alright, you are developing nuclear submarines. Uske manufacturing mein bahut problem aayegi. इससे अच्छा क्या करो, 150 वेपन्स बना के रखो और फर्स्ट यूज बोल दो, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए. ऑलराइट, लिख लीजिए दैट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज आर प्रीरिक्विजिट्स फॉर नो फर्स्ट यूज. Ballistic missile defense and second strike capabilities are prerequisites for no first use, and these involve high amount of investment. Investments. That is why no first use chodo, first use low or kharcha kam karo. Divert this thing to something else, modernization of your armed forces, development of technological capabilities. But again, switching from no first use to first use will be of severe geopolitical disadvantage. Am I clear? Alright, so now you may take a 15 minutes break and after that we'll reconvene at 2. All right, so now we are going to discuss about Taliban, because there is a power change that is happening in Afghanistan. Aur uske regarding abhi Hamid Karzai sahab ne bola hai that India should be wary of US-Pakistan deal. Theek hai? So I would have taken up the chief of defense staff, lekin pehle main Taliban discuss karta hai. Let's discuss the Taliban issue. Again, complete coverage of this topic. We will discuss Taliban hai kya, what is this US-Pakistan deal, why is US actually signing a deal, and all these things. So recently, basically, there is a deal that has been signed between US and Pakistan, and the deal is that jo Pakistan hai, it will bring Taliban in agreement with US. US want to sign a peace agreement with Taliban. Peace agreement such that jo Taliban hai, it will never in future will allow its land,
इट्स लैंड मतलब अफगानिस्तान और एनी लैंड दैट तालिबान कंट्रोल्स दैट तालिबान विल इन फ्यूचर विल नेवर अलाउ इट्स लैंड टू बी यूज बाय टेररिस्ट्स पर्टिकुलरली अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ये एग्रीमेंट साइन करना चाहता है यूएस विद तालिबान Why does US want to sign this agreement? 2001, US came to Afghanistan with the aim to eliminate Taliban. 18 साल हो गए, अभी तक तालिबान को ये खत्म नहीं कर पाए. They have invested a huge amount of money. They have given up n number of lives. They have invested huge amount of money into Pakistan. And there is very high amount of economic infrastructure and human life loss that is happening to United States in Afghanistan. And since past 18 years, ये तालिबान को खत्म नहीं कर पाए. And it's the biggest failure on the part of United States after Vietnam. Vietnam में भी they were not able to stop the communist, and neither in Afghanistan they were able to eliminate Taliban. Getting my point? So because of that. अब लड़ाई का कोई अंत है नहीं हमें वापस निकलना है तो वापस कुछ मुंह बचा के तो निकलें ऑलराइट इट्स अ शियर फेलियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लोमेसी यूनाइटेड स्टेट्स की डिप्लोमेसी का बहुत ही बड़ा फेलियर है दैट दे वर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट दे लॉन्च द 2001 इन्वेजन ऑन एंड नाउ दे आर साइनिंग अ पीस एग्रीमेंट विद द वन दे वॉन्टेड टू एलिमिनेट एंड दैट इज तालिबान Clear? Why they want to strike this deal with Pakistan? Because Pakistan has good relations with Taliban, and therefore, अगर Pakistan mediate करता है, तो United States वो deal sign कर पाएगा जो United States Afghanistan से या sorry Taliban से sign करवाना चाहता है. So now America has again put thrust upon Pakistan की help us to achieve the peace deal with. Taliban. So we'll discuss that what is this peace deal, why Taliban and Pakistan has good relations. In sab cheezon pe hum charcha karenge abhi. Proxy wars ka hi to byproduct hai Taliban. Uske baat karenge abhi hum. Alright. So can you associate why US-Pakistan deal is coming up so that United States can have a safe exit from Afghanistan because United States war in Afghanistan has been a failure. And without coming out something conclusive, it will be a big blemish on the reputation of United States. So they want to come out through showing to the world that we have achieved the peace agreement with the power that we wanted to once annihilate. Clearer? All right. Now, before going ahead, we should know ये तालिबान है क्या चीज और आया कहाँ से? All right. So let's first discuss what is Taliban. Taliban is a Sunni fundamentalist movement. It is a Sunni fundamentalist movement that wanted to create the Islamic Emirate of Afghanistan. वो एक अफगानिस्तान को एक इस्लामिक एमिरेट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे All right, Taliban is a Sunni fundamentalist movement formed by Pashtun students. और ये students का जो Pashtun में word use होता है, that is known as Talib. Talib is the Pashtun word for students. And because these students were Sunni people, and they resulted into a fundamentalist radical movement. Therefore, this movement was named as Taliban. The aim of Taliban was to create Islamic Emirate of Afghanistan. Islamic Emirate. Islamic मतलब वो देश. Islamic Emirate of Afghanistan means Afghanistan नाम का वो प्रदेश जिसमें शरीयत चलेगा. It will be ruled by the laws of Sharia. All right. '96 से लेकर 2001 तक
तालिबान कंट्रोल्ड approximately 90% of Afghan area and formed the government in Afghanistan. From 1996 till 2001, Taliban controlled almost 90% of the Afghanistan area and formed a government there after Taliban came victorious out of a civil war that was fought in Afghanistan between 1992 to 1996. 1992 se lekar 1996 tak Afghanistan mein ek civil war tha. Us civil war mein different political sections, different fundamentalist sections in Afghanistan were fighting against each other to establish their own country or their own government. That period is known as civil war, and civil war 1996 mein khatam hui when Taliban emerged as the victorious faction. They established their government in 1996 till 2001. In September 2001, particularly in October 2001, jab United States ne Afghanistan pe invasion kiya, at that time Taliban had to leave the power and they had to go into hinterlands to protect themselves, because the main aim of United States invasion was to annihilate Taliban. Clear? ठीक है. So from 1996 to 2001, Taliban was in power. When Taliban was in power, the capital of Afghanistan was Kabul. No, हमारा IC 814 कहाँ लेकर गए थे? कांदाहार. Alright. So when Taliban was ruling Afghanistan, at that time, the capital of Afghanistan was कांदाहार. और कांदाहार वही जगह है जहां पे इंडियन एयरलाइंस IC 814 वॉज टेकन. ऑलराइट, IC 814 वॉज टेकन. ऑलराइट, मसूद अजहर यहीं पे हमने छोड़ा था. ऑलराइट, बिकॉज ऑफ द डिमांड्स. सो एट दैट टाइम इजेंट इट करेक्ट कि जो 1999 में IC 814 का हाईजैकिंग हुआ था उसको कांदाहार ले जाने का एक बहुत बड़ा कारण था दैट द तालिबान गवर्नमेंट एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द हाईजैकर्स. सो यानी इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट इन गुड टर्म्स विद तालिबान, मानते हो? इसलिए अब अफगानिस्तान में तालिबान का एमरजेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर इंडियन इंटरेस्ट खतरे में है. येस, सो दैट इज वाई दिस टॉपिक इवन बिकम्स मोर प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट. चलिए अब बात करते हैं, दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ तालिबान. अब बात करेंगे एमर्जेंस ऑफ तालिबान, तालिबान आया कहाँ से. अब यहाँ पे हम 1979 की बात करेंगे. वेयर डज तालिबान एमर्ज फ्रॉम? तालिबान इज एक्चुअली अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ US ओनली. US का बनाया हुआ ग्रुप US के खिलाफ, लीडिंग टू द बिगेस्ट वॉर ऑफ और लॉन्गेस्ट वॉर ऑफ US, एंडिंग इन फेलियर फॉर US. इससे बड़ा US को बदनामी आज तक नहीं मिली. ऑलराइट, सो द बैड ऑरेंज ऑफ US मस्ट बी फीलिंग बैड, डोनाल्ड ट्रंप. ऑलराइट, तालिबान का एमरजेंस की अगर बात करें, एमरजेंस ऑफ तालिबान लाइज इन 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत्स ने इन्वेजन किया. अफगानिस्तान सोवियत इन्वेजन 1979, ये वही साल है जब कोल्ड वॉर चल रहा है एंड द कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट वर फाइटिंग विद अगेंस्ट ईच अदर. सो एनी प्लेस कम्युनिस्ट वर गोइंग, कैपिटलिस्ट वर अपोजिंग देम. हियरिंग माय पॉइंट, सो सोवियत केम टू अफगानिस्तान इन 1979, दैट मीन्स दैट इवन US इज अगेंस्ट दिस मूव ऑफ सोवियट्स. चलिए, जब ये अफगानिस्तान जब रशिया अफगानिस्तान गया, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान गया, तो हमारा छोटू भी डर गया. कौन है? पाकिस्तान वॉज फियरफुल ऑफ द फैक्ट दैट नाउ सोवियट्स विल एंटर बलूचिस्तान. डर गया बेचारा. इनके जो भी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, ही फ्लू टू सऊदी अरेबिया एंड आज सऊदी अरेबिया चचा बचा लो. ठीक है, सो दे आस्क सऊदी अरेबिया फॉर हेल्प. सऊदी अरेबिया कॉल्ड अंकल सैम, USA.
Uncle Sam is a very is a short abbreviation or a nickname for America, right? So Saudi Arabia contacted USA, and USA then extended material, arms, and financial support to Pakistan, so that they can prevent Soviet invasion into Balochistan. All right, getting this material, arms, and financial support, Pakistan started training. Pakistan ki jo ISI hai, usne 90,000 ladako ko tayyar karna chalu kiya to fight against Soviet Union in the tribal areas or the rural areas of Afghanistan, which were close to Pakistan border. These 90,000 people also consist of Mullah Muhammad Omar. Mullah Muhammad Omar. Clear? So, from here onwards, ISI started training approximately 90,000 Afghan youths, including Mullah Muhammad Omar, to fight the Soviets. There is a British expert, his name is Carol Hillenbrand. नाम लिखने की जरूरत नहीं है. His words are, ये कहता है कि जो तालिबान है, it arose from US Saudi Pakistan supported mujahideens. तालिबान is therefore an outcome of US Saudi and Pakistan supported mujahideens against Soviets. Mujahideens against Soviets. ठीक है. अब अभी अगर आप देखें तो कैन आई से दैट द फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ हमिद करजई, द कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट ऑफ अशरफ गानी, दे आर स्टूज इन द हैंड्स ऑफ यूएस. वो यूएस के हाथ के कठपुतली हैं एक तरीके से. वैसे ही 1979 में जब सोवियत वहां पहुंचा तो सोवियत ने भी नजीबुल्ला, लेट मी गेट द नेम, मोहम्मद नजीबुल्ला, उनकी एक शैम गवर्नमेंट बना दी. सोवियट्स व्हेन सोवियट्स अटैक अफगानिस्तान इन लेटर 1980s, इन लेटर 1980s सोवियट्स फॉर्म्ड द गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद नजीबुल्ला इन सोवियत, विच वाज अ वीक गवर्नमेंट. ठीक है. 1989-1990 में आपको पता है यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया एंड यूएसएसआर हैड टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान. 1989 में सोवियत यूनियन ने अपने आप को कहाँ से विड्रॉ कर लिया? अफगानिस्तान से. इन 1989 यूएसएसआर विड्रू इटसेल्फ फ्रॉम अफगानिस्तान. क्लियर. और भी पीछे क्या छोड़ गए? अ वीक गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद नजीबुल्ला. एट दैट टाइम there were various other groups which were emerging in power in Afghanistan, and they wanted to build their own supremacy over the government of Mohammad Najibullah. वहाँ पे तीन groups थे उस time पे अफगानिस्तान में. तीन prominent groups थे and each prominent group was supported by a country behind it. Like for example, एक group छोटू का था, दूसरा group ईरान का था और तीसरा ग्रुप सऊदी का था. ये तीनों ग्रुप बेसिकली अफगान पॉपुलेशन को ही अपनी इन्फ्लुएंस में ले लेते थे. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, जो पाकिस्तान का ग्रुप था, इट्स नेम वाज हेज ए इस्लामी. जो ईरान का ग्रुप था, इट वाज हिज ए वहादत. एंड जो सऊदी अरेबिया का ग्रुप था, उसका नाम था इतिहाद ए इस्लामी. ये तीनों ग्रुप्स पावर के लिए लड़ने लग गए. बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद नजीबुल्ला वॉज वीक, दे वॉन्टेड टू डिस्प्लेस. पाकिस्तान चाहता था हिजब ए इस्लामी जीते, ईरान चाहता था हिजब ए वहादत जीते, और सऊदी अरेबिया चाहता था इतिहाद इस्लामी जीते. अपने अपने ग्रुप को मटेरियल एंड मैन पावर और गन पावर सपोर्ट प्रोवाइड करने लग गए, एंड दैट रिजल्टेड इनटू 1992 पाकिस्तान एंड सॉरी अफगानिस्तान एंटर्ड इनटू अ सिविल वॉर. ठीक है. अभी तालिबान आया नहीं है,
They are three different groups. Alright? Because there was a problem going on, their country was in civil war. इनके जो लीडर्स होते थे उनको वॉर लॉर्ड्स बोलते थे. वॉर लॉर्ड्स. इन वॉर लॉर्ड्स से अफगानिस्तान की बहुत पॉपुलेशन परेशान थी, और उन परेशान व्यक्तियों में एक व्यक्ति था मोहम्मद उमर, मुल्ला मोहम्मद उमर. कौन है ये? ये वही बंदा है जो उन 90,000 लोगों में शामिल था जिसको ISI ने ट्रेनिंग दी थी अगेंस्ट सोवियट्स. क्लियर है? सो मुल्ला मोहम्मद उमर, नाउ ही इज ऑल्सो dissatisfied with the warlords who were tarnishing or who were destroying his own country, which he considered Afghanistan. In 1994, Mullah Muhammad Omar, along with his 50 students, getting assistance from Pakistan again, procured arms and financial support. और जिसको पाकिस्तान का सपोर्ट मिला अच्छे से, मुल्ला मोहम्मद उमर बेसिकली जो हिज़्ब इस्लामी है वो बैक्ड बाय पाकिस्तान है, बट उसकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी भी थी. लेकिन यहाँ पे मुल्ला मोहम्मद उमर तो बिल्कुल ही ISI का एजेंट बन गया. ही बिकेम एक्चुअली एन ISI एजेंट. अब पाकिस्तान हिज़्ब इस्लामी को मदद करेगा, मुल्ला मोहम्मद उमर को करेगा? मुल्ला मोहम्मद उमर. सो ही क्रिएटेड अ सुन्नी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स विच ही कॉल्ड तालिबान टू फाइट इन दिस सिविल वॉर, destroy all these three components, and finally in 1996 they came out victorious, and that resulted into establishment of Taliban rule in 1996 in Afghanistan. ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरे अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे. जो रूरल एरियाज हैं वहां पे अपने अपने ग्रुप अभी भी पावर में थे, बट 90% एरिया ऑफ अफगानिस्तान वॉज अंडर हुज कंट्रोल? तालिबान. From 1996 till 2001, Taliban government was there, but it was a very bad government. There was no respect for human rights. The women were completely subjugated. The state of affairs of women was devastatingly poor. Then there was no human rights development, no education, nothing. It was an authoritarian regime. Drugs production was maximum, and this kind of country will not have any respect for human rights. Am I clear? Okay. So what happened between this period, various agencies, intelligence agencies of United Kingdom, CIA, they all found that Taliban is a bad government. Taliban is a bad government. December 2000, इन्होंने यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन 1333 लॉन्च किया, इन्होंने अडॉप्ट किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन 1333 अडॉप्ट किया, एंड दे सेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान इज अ ऑथोरिटेरियन रिजीम एंड शुड बी रिमूव्ड. क्लियर है? अलकायदा एट दैट टाइम, अलकायदा कौन है? ओसामा भाई की वो है ना अलकायदा. Al-Qaeda was the agency which was proliferating in Taliban regions, and Al-Qaeda was a terrorist organization. So the United Nations, along with US, along with UK, they passed resolution that one should displace the government of Taliban because they are extending logistic support to terrorist organizations operating against the Western countries like USA, UK, France, Germany, whatever be European countries. ठीक है? जैसे ही इन्होंने ये चीज पब्लिश करी दिसंबर 2000 में, ओसामा को गुस्सा आ गया. 9/11 अटैक्स, 9/11 2001, अलकायदा रिजल्टेड इनटू द कॉलेप्स ऑफ द ट्विन टावर, द वेरी इनफेमस इंसिडेंट इन विच मेनी अमेरिकन्स डाइड. अमेरिका वाज ऑफेंडेड बाय दैट, एंड अमेरिका लॉन्च्ड अ फुल स्केल इन्वेजन अलोंग विद इट्स नाटो अलाइज in 2001 October on Taliban. They reached there, and when they reached there, they started killing those people who were associated with Taliban. But despite this attack what made Taliban survive, that is a bigger question. All right? Because America is a very mighty power,
इतनी बड़ी माइट के सामने कैसे बच गया तालिबान, दैट इज अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, राइट? ठीक है, तो अब थोड़े से उन फैक्टर्स को देखते हैं कि तालिबान, हाउ कुड तालिबान सर्वाइव इटसेल्फ, और ये सर्वाइवल में बहुत बड़ा हाथ किसका है? छोटू का, ऑलराइट, पाकिस्तान। और इस वजह से पाकिस्तान और तालिबान की आज भी बहुत अच्छी दोस्ती है, और ये दोस्ती हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान इज द मेन एरिया दैट विल कनेक्ट अस टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके बारे में बात करते हैं अभी। अलकायदा, सो अलकायदा वॉज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज ऑपरेटिंग अगेंस्ट द वेस्टर्न आइडियोलॉजी, एंड अलकायदा वॉज हैविंग इट्स बेसिस प्रेजेंट इन अफगानिस्तान एरियाज विच आर कंट्रोल्ड बाय तालिबान। The United States approached the Taliban government to help them to eradicate Al-Qaeda. They denied any kind of support. In 2000, after negotiating this thing with various other superpowers, United States decided ki hum 2000 mein, December 2000 mein decide kiya ki one fine day we are going to attack Taliban and kill Al-Qaeda people. In the meantime, 11 September attack started, it took place. To ab to baat ban gayi ki ab to attack karna hi hai. So they started an attack. When they started an attack, that resulted into killing of some number of Taliban people, but still Taliban survived. The survival was because of Pakistan's support. We are coming to it. But it is a fact worth understanding. When Taliban was in power from 1996 to 2001, only three countries recognized Taliban as a legitimate government. One was Pakistan, Saudi Arabia, and UAE. In teen deshon ke alawa, baki kisi desh ne Taliban ko ek legitimate government nahi mana. Alright, so only three countries extended legitimate support or recognized Taliban as a legitimate government of Afghanistan, and these three countries are Saudi Arabia, Pakistan and UAE. Alright, now Taliban survived despite US attack because Pakistan. एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है एंड द नेम इज कुंदूज एयरलिफ्ट, कुंदूज एयरलिफ्ट, कुंदूज एयरलिफ्ट। इन दिस कुंदूज एयरलिफ्ट व्हाट द पाकिस्तान डिड, कुंदूज इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो तालिबान के लड़ाके वहां से अपनी अपनी जगह छोड़ के भागने लग गए, दे ऑल गॉट असेंबल्ड इन कुंदूज। इन कुंदूज using Pakistan army cargo aircraft, they airlifted all these leaders and brought them to Chitral and Gilgit air base in Pakistan. Gilgit pata hai na, Pakistan occupied Kashmir, POK, and Chitral is in Khyber Pakhtunkhwa near Pakistan border. Okay, I'll take care now. So Chitral, so they brought them to Chitral, and second was Gilgit. All right. यहाँ पे तालिबान के सारे जो भी prominent leaders थे, उनको यहाँ पे लाके उन्होंने छुपा दिया, and they were given safe haven. So in all the attempts of United States, they could not kill the top leadership, and the top leadership of Taliban survived. So the first reason for survival of Taliban despite the US attack is support extended by Pakistan and survival of top leadership. Survival of top leadership. और यही चीज कारण भी बनेंगे what were the reasons for failure of US. Pakistan की mischief, support to Taliban, protecting them from American might. Second reason. पाकिस्तान का बच्चा था ये, सॉरी, किसको, किसने, यूएस ने, पाकिस्तान ने तालिबान को तब सपोर्ट करा जब यूएस का, देखो तालिबान उस टाइम नहीं था जब यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे, एट दैट टाइम इट वाज ओनली 90,000 पीपल एंड मुल्ला मोहम्मद ओमर, उनको सपोर्ट दे दिया, ठीक है, उस टाइम तालिबान बना नहीं। जब सिविल वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहाँ पे ये लड़ रहे हैं,
क्यों ना मैं अपना ही कोई बंदा यहाँ पहुंचा दूं और उसे जितवा दूं। तब उसने तालिबान की संरचना करी। सो तालिबान ओनली हैड अ लिमिटेड थिंग टू डू विद यूएस प्रायर टू 1994 इज दैट मेनी ऑफ द तालिबान पीपल वर पार्ट ऑफ यूएस फोर्सेज वर फाइटिंग सोवियट्स। फिर यूएस चला गया, आउट ऑफ पिक्चर हो गया यूएस, जैसे ही यूएसएसआर वाले गए यूएस भी गायब हो गया। अब वहां पे सिविल वॉर चल रही है। अब सिविल वॉर में अब सपोज करो कल पाकिस्तान में ऐसी बात आ जाए कि सब बिक गया वहां पे, ठीक है, वैसे बिक ही जाएगा थोड़े दिन में, बट सपोज सब बिक गया। अब वहां पे मौका दिख जाए अपने अंबानी साहब को कि क्यों ना ऐसा नेता बना दूं, मेरा ही हो जाए। कल पता चले अपना 29 स्टेट हमें चाहिए, वैसे भी अब 28 ही रह गए, ठीक है, तो 29 स्टेट पाकिस्तान बनाए, तो क्यों ना अपना ही कोई बंदा वहां पे सिविल वॉर हो जाए और हम ही कोई ना अपना बंदा बना दे जो प्रो इंडिया आर्ग्यूमेंट्स दे। गेटिंग माय पॉइंट? वही तालिबान है। तालिबान इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान टू क्रिएट इट्स इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। गेटिंग माय पॉइंट? सो अफगान तालिबान को पाकिस्तान कभी खत्म होने देना चाहता ही नहीं था। इट इज पाकिस्तान वो गेव द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अ कंसेप्ट विच इज नॉन एज गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। यूएस वॉज हैविली अगेंस्ट तालिबान। अब वो गुड बैड नहीं होता, जो भी तालिबान वाला मिला उसे उठा ले गए या उसको मार के समुद्र में दफना दिया, ठीक है। दे डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। इट टुक मेनी ईयर्स फॉर पाकिस्तान टू मेक यूएस कन्विंस कि तालिबान ऑल टूगेदर इज नॉट बैड। देर इज अ गुड तालिबान ऑल्सो विच वॉन्ट्स पीसफुल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। और ये कौन डिसाइड करेगा गुड तालिबान कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान बोला मैं आपको बताता हूं गुड तालिबान कौन है। सीधा आयरनी दे अनकेनी। ऑलराइट, चलिए। अलकायदा वाज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ दिस तालिबान। जो ट्रेनर्स जिनको ट्रेनिंग मिली थी ना पहले, वही एमर्ज हुए थे। तालिबान अलकायदा दे ऑल हैव द सिमिलर ओरिजिन। सारे के सारे को ट्रेनिंग कब दी थी? जब यूएसएसआर वहां था। किसने दी थी? यूएस ने दी थी, ठीक है, वी कैन से दैट, यस। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट हैपेंड? सेकंड पर्टिकुलर रीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ तालिबान डेस्पाइट यूएस फोर्स इज रॉन्ग अप्रोच ऑफ यूएस। रॉन्ग अप्रोच ऑफ यूएस। देखो ये इस बार क्वेश्चन काफी प्रोमिनेंट हो गया है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट प्रोमिनेंट। और अगर डील सील हो गई आफ्टर सितंबर तो नेक्स्ट ईयर के मेंस के लिए भी ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ऑलराइट, सेकंड रीजन फॉर दिस डेवलपमेंट वाज रॉन्ग अप्रोच ऑफ यूएस। यूएस ट्रीटेड तालिबान इशू एज व्हाट? आर्म्ड इंसर्जेंसी। तालिबान इशू को इसने सिर्फ आर्म्ड इंसर्जेंसी के तौर पे देखा। That is, it's a violence, और हम violence करने वाले को हटा देंगे तो violence खत्म हो जाएगी। But the underlying problem of Afghanistan issue was misgovernance and corruption. The underlying problem in Afghanistan was misgovernance and corruption. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ एक टीवी की जरूरत है ना। आई विल पिच इन टू मेक सम चेंजेस। ये वाला लिखता था ना, दिस वन। ऑलराइट, ओके, सो रॉन्ग अप्रोच। सो द कोर इश्यू इन अफगानिस्तान वाज दैट ऑफ मिस गवर्नेंस एंड करप्शन। यूएस ने क्या करा? मिस गवर्नेंस और करप्शन के ऊपर कुछ नहीं किया। एंड व्हाट दे डिड वाज They only tackled armed insurgency. यही चीज इनके वियतनाम का फेलियर का कारण बना। जिन एरियाज में यूनाइटेड स्टेट्स ने वियतनाम में क्या करा? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करवाई। वो प्रो यूएस बने, दे जनरेटेड गुडविल इन यूएस। लेकिन जिन एरियाज में दे डिड नॉट गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, That resulted into Vietnamese people not supporting US and ultimately failure of US. Same was the case here. यहाँ पे लोग बहुत परेशान थे, because Afghanistan in 2000, Afghanistan even today is highly centralized. It is highly centralized. क्योंकि highly centralized है, so ऊपर से control आता है, लोग बागों का कोई भी freedom नहीं है।
What US should have targeted was providing or empowering the people at grassroots to generate a goodwill for United States so that they do not support Taliban. Instead, they just killed the armed insurgents, and it is actually this thing that is breeding insurgency. If you remember, jin logon ne mere sath security course lagaya, maine aapko bataya tha ki lack of development, lack of governance results into development of armed insurgency. So they targeted the effect and not the cause, and that is why Taliban continued, because the popular support was still with Taliban. Similar to what is happening in Kashmir. Similar to what is happening in Kashmir, to some extent, yes. ठीक है, but paper में लिख के मत आना similar to what is happening in Kashmir. Apart from that, another reason, third thing. US ने externally अफगानिस्तान के लोगों को support करना चालू किया. मतलब suppose करो कि Taliban is inflicting violence on Afghan women. Instead of empowering the Afghan males and Afghan forces to protect Afghan women, United States tried to protect them. And people know that ये कितने दिन? 10 साल, 20 साल बाद तो इन्होंने चले जाना, तब हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? So the third important mistake that people did not develop goodwill for US and remained confined with Taliban is that United States externally protected the people rather than empowering them. United States externally protected the people rather than empowering them. That resulted into weak government in Afghanistan. The contemporary government in Afghanistan is weak because Afghani government is weak, because Afghani army is weak. United States ne kabhi Afghanistan ki army ka development nahi kiya. They were only there as a strong force. Kaun? Americans. अगर अमेरिकन गुडविल चाहते तो वो आर्मी का विकास करते या नहीं करते? दे डिड नॉट डू. सो दैट जनरेटेड अ इम्प्रेशन ऑन द पीपल दैट देयर गवर्नमेंट इज वीक एंड द गवर्नमेंट इज अ स्टूज इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. जो हमिद करजई, जो अशरफ गनी की सरकार है, इट इज एक्चुअली अ पपेट गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. दैट वॉज द इम्प्रेशन अमंग द पीपल. सो अगर आपको कल पता चलता है कि हमारे why we have so much of faith in the contemporary leadership in India, because it is showing some strong gestures or not. तभी तो कहते हैं लोग बाग, वाह मोदी जी वाह. Why do they say so? Because of the strong leadership. People tend to see strength in the people who rule. लेकिन अगर कल आपको पता चले कि कोई रागा वागा आ जाए और एक weak government create हो जाए, would you be having a faith in that government? No. That is what terrorists try to do. Terrorists try to showcase the government as a weak government so that people do not give their support to the government and government becomes illegitimate. वही सरकार सबसे कामयाब सरकार होती है जिसको लोग बाग अपना support extend करते हैं. Getting my point? और अगर आपकी सरकार, आपको पता चलता है कि ये तो किसी और के हाथ में खिलौना है, कठपुतली है, तो आप उसको सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? यू विल नॉट डू दैट. दैट इज व्हाट इज द कंटेम्पररी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान इज फेसिंग. एवरीबडी थिंक इट एज अ स्टूज इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. गेटिंग माय पॉइंट? सो वीक पोस्चर ऑफ द गवर्नमेंट इज कमिंग बिकॉज इट इज अ स्टूज इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. अनदर रीजन. नेक्स्ट, जो कंटेम्पररी गवर्नमेंट है, इट इज नॉट जस्ट वीक but it is also resulting into misgovernance, corruption. वही चीज जो तालिबान ने की थी, वही चीज contemporary weak government भी कर रही है. There is prevalent corruption and misgovernance in the contemporary government of Ashraf Ghani. So the people have no faith in the contemporary government and they are looking for an alternative, and the alternative is present in only one form, and that is Taliban. So that is resulting into resurgence of Taliban. तालिबान फिर से एमर्ज हो रहा है. क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, व्हाई इज देयर अ रिसर्जेंस ऑफ तालिबान, या व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. वन एंड द सेम थिंग, सेम आंसर लिखना है आपने. सो द फैक्टर इज दैट द प्रॉब्लम दैट द तालिबान हैड इन 2000 रिमेन्स द सेम विद द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट विच इज प्रेजेंटली देयर, दैट इज ऑफ करप्शन एंड मिस गवर्नेंस. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज अ वीक गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. Alright, so people do not lay their legitimacy towards this government. Apart from that, tribal people are ethnic people.
देखो अफगानिस्तान आज की डेट में इस तरीके से बटा हुआ है, इफ यू कंसिडर दिस एज एन अफगानिस्तान, जो सेंट्रल कोर जहाँ पे गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान की कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट है हामिद करजई और अशरफ गनी की, दैट गवर्नमेंट इज मेनली मेड अप ऑफ उज़्बेक्स, ताजिक्स एंड फ्यू अफगान्स. यहाँ पे कौन कौन है? अब उज़्बेक्स, ताजिक्स एंड अफगान. बट यहाँ पे सारी पॉपुलेशन जो है ट्राइबल एरियाज में, दैट इज अफगान एंड मोस्टली पश्तून. पश्तून, दिस ट्राइबल हिंटरलैंड अराउंड जो पेरिफेरल एरिया है, इट इज पश्तून. और जो लीडरशिप है, इट इज हैविंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम उज़्बेक्स एज वेल एज ताजिक्स, विच आर एथनिकली डिफरेंट फ्रॉम पश्तून. एंड तालिबान कौन थे? पश्तून लड़ाके. सो पश्तून पीपल विच आर ट्राइबल और पेरिफेरल एरियाज ऑफ अफगानिस्तान, दे एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू तालिबान बिकॉज ऑफ द सेम एथनिक और सिमिलर एथनिक बिलोंगिंगनेस. कैन यू अप्रिशिएट इट? सिमिलर एथनिक बिलोंगिंगनेस. ऑलराइट, अनदर थिंग, एक और कारण जिससे तालिबान को सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम अफगान पीपल. अब एक चीज क्लियर है कि जो अफगान पीपल हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट विच इज इन प्लेस राइट नाउ. दे कंसिडर इट एज वीक, दे कंसिडर इट एज करप्ट, दे कंसिडर इट एज अ स्टूज इन द हैंड्स ऑफ यूएस. देयरफॉर दे आर अनहैप्पी विद सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट. तालिबान इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द लोकल पॉपुलेशन इज टारगेटिंग द अनपॉपुलर गवर्नमेंट ऑफिसेस. जो गवर्नमेंट ऑफिसेस करप्शन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस आम जनता को परेशान कर रहे हैं, तालिबान उनको अटैक करता है. तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त. सो दैट इज व्हाट इज रिजल्टिंग इनटू गुडविल अमंग द पीपल ऑफ अफगानिस्तान टुवर्ड्स तालिबान. दे सी तालिबान एज अ रिफॉर्म फोर्स कमिंग टू देम एज सेवियर. गेटिंग माय पॉइंट? सो तालिबान इज अटैकिंग, तालिबान जो है, तालिबान इज अटैकिंग अनपॉपुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट रिजल्ट इनटू इंक्रीज्ड लोकल सपोर्ट टू तालिबान. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट तालिबान को किसने हटाया? यूएस ने. मेनी पीपल कंसिडर इट एज रॉन्ग थिंग. कल अगर कोई बड़ा देश, ताकतवर देश आके हमारी सरकार को हटाए, तो आपको सहानुभूति होगी हमारी सरकार के लिए या नहीं? सो देयर इज एन इनहेरेंट, there is an inherent support and sympathy for Taliban because it was forcefully removed from power by United States. अगर हमारे देश की ही जनता उस government को हटा दे तो that is a legitimate act. लेकिन कोई बाहर से कोई force आए, बाहर से कोई force आए और आपकी legitimate government को हटा दे, you will be feeling bad about it. That is the same condition that is happening with people of Afghanistan. Many people consider Taliban as a legitimate government even today, which was forcefully removed by the act of some foreign power, that is United States. Can you appreciate? These are the reasons that people of Afghanistan are now more giving support to Taliban, and there is a resurgence of Taliban. So there is no denying the fact ki Taliban power mein aayega in near future. But what is the condition of relations? Yeah, what is the present condition of relations between India and Afghanistan? India is supporting the contemporary government, which is put in place by the Western forces in Afghanistan, because using that government, India has invested in lot of infrastructure projects in Afghanistan. Let us see. Yeah, kya hai? नहीं, यहाँ ग्वादर है, छबार. यहाँ छबार इज इंडियन पोर्ट, इंडियन बिल्ड पोर्ट इन ईरान. छबार क्यों बनाया? ईरान में क्या करने जाएंगे? ईरान से हमें कोई लेना देना नहीं है. वी वॉन्टेड टू एक्सेस द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दैट रन्स फ्रॉम रशिया टूवर्ड्स यूरोप. वी वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ दैट. क्या तो हम छोटू को कब्जा कर लें और यहाँ से निकले? लेकिन ये पॉसिबल है नहीं. We are democratic, we respect the sovereignty of Pakistan. But कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन सब अच्छा होगा. हम अभी क्या कर रहे हैं, मुंबई से शाबहार जाएंगे, वहां से ईरान में, ईरान से होते हुए, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारे मतलब की गवर्नमेंट है तो वो हमें एक्सेस दे देगी, और हम गार्लैंड हाईवे यूज करते हुए, गार्लैंड, GARLAND,
गार्लैंड हाईवे यूज करते हुए एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, विच रन थ्रू रशिया टू यूरोप, विच इज अ इंटरनेशनल ट्रेड रीजन. तो हमको उसका पार्ट बनने में मजा आएगा. ट्रेड आएगा तो इंजन ऑफ ग्रोथ है, स्लो डाउन चला जाएगा, है ना. पीपल मूविंग टूवर्ड्स यूपीएससी कम हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे. तो आपका भी इंटरेस्ट इसी में छुपा हुआ. ठीक है, कैन यू, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट हटाएं उसको. द ट्रूथ इज दिस, कैन यू सी व्हाई अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब तालिबान अगर एमर्ज करता है, तालिबान सपोर्टेड अलकायदा, तालिबान वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान रिलेशंस आर वेरी गुड. तो कल अगर तालिबान की गवर्नमेंट होती है तो क्या तालिबान हमें एक्सेस देगा INSTC का? नो. हमारा जितना इन्वेस्टमेंट है सारा पानी में मिल जाएगा. द गुडविल दैट वी क्रिएटेड अमंग द पीपल ऑफ अफगानिस्तान दैट विल बी टार्निश्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ये छाबार का सारा खर्चा खराब हो जाएगा. ईरान के साथ हमारे रिलेशन इफेक्ट हो सकते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर, ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑलरेडी देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, तालिबान विल बी नॉट अ सेक्युलर गवर्नमेंट, इट विल बी अ इस्लामिक गवर्नमेंट. और इस्लामिक पॉपुलेशन में छोटों ने हमारी इमेज वैसे ही खराब कर रखी है. All right, so in that scenario, we'll be facing a lot of hurdles if there is emergence of Taliban in Afghanistan. To that thing, India is also quite cunning. Word cunning mat use karna paper mein. India is also quite smart to anticipate what will be the future. Till November 2018, India was of the opinion Taliban nahi aana chahiye, Taliban nahi aana chahiye. But now, United States is tired of being in Afghanistan. It want to come out. जैसे तैसे करके हमें अफगानिस्तान से बाहर आना है. ये कौन कह रहा है? United States. अब निकलने का एक ही तरीका है, तालिबान के साथ पीस डील साइन कर लो, क्योंकि तालिबान को तो आप खत्म कर नहीं पाए. और बिना पीस डील करे सामने आए तो दुनिया थुथू करेगी, ये क्या करके आ गए, 20 साल वहां क्या करने गए थे. हाँ, तो इससे अच्छा एक पीस डील साइन करोगे नहीं करोगे. तो इस वजह से टू सेव देयर फेस, US इज ऑल्सो नाउ गिविंग एक्सेप्टेंस टू तालिबान. तालिबान को एक्सेप्टेंस मिलने का कारण क्या है? पाकिस्तान को भी सेंट्रल स्टेज मिल गई. अब इंडिया को भी अपनी पॉलिसी चेंज करना है. ऑलराइट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग जीरो बेनिफिट फ्रॉम अफगानिस्तान, लेट्स हैव सम बेनिफिट फ्रॉम अफगानिस्तान. एंड सम बेनिफिट विल हैपन व्हेन वी चेंज आवर फॉरेन पॉलिसी एंड अलाइन इट विद द फैक्ट दैट तालिबान विल कम टू पावर इन अफगानिस्तान, नॉट टूडे बट सर्टनली समडे इन नियर फ्यूचर. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? सो व्हाट विल हैपन? इंडिया ने नवंबर 2018 में बैकडोर डिप्लोमेसी स्टार्ट कर दी. इंडिया स्टार्टेड बैकडोर डिप्लोमेसी. बैकडोर डिप्लोमेसी मतलब नवंबर 2018 में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग का नाम था मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग ऑन अफगानिस्तान. उसमें तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स के दोस्त पाकिस्तान, वो सब एक टेबल पे बैठ के चर्चा करने वाले थे व्हाट शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ डिस्कशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड तालिबान इन अफगानिस्तान. इंडिया को बोला तुम भी आ जाओ. इंडिया सेड हम तो तालिबान को सपोर्ट करते नहीं है. लेकिन मनी मन ये हो रहा था कि कल तालिबान आ गया तो हमें नुकसान है. तो हमने क्या करा, अपने दो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स को एज अ ऑब्जर्वर उस मीटिंग में भेज दिया. वी सेंट टू ऑफ आर इनफॉर्मल फॉर्मर डिप्लोमेट्स इन टू दैट मीटिंग. That is known as backdoor diplomacy. हमने पीछे के दरवाजे खोल दिए कि धीरे धीरे हमें जैसे तैसे करके तालिबान के साथ भी इंगेज करना पड़ेगा. Getting my point? And now gradually we have also opened the gates to the fact that we are openly coming out and saying कि चलो ठीक है, तालिबान के साथ डिस्कशन करने को हम तैयार हैं, लेकिन पहले हमें बुलाओ तो सही. US बुला ही नहीं रहा, लेकिन अब थोड़ा बहुत US भी सिंसियर हो गया है. एंड US इज कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग टू इंडिया अबाउट द डेवलपमेंट दैट आर टेकिंग प्लेस इन अफगानिस्तान. एंड इंडिया विल बी सून मेड अ पार्टी इन अफगान पीस प्रोसेस. बट राइट नाउ द सेंट्रल पार्टीज इन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस आर द P5 प्लस जर्मनी प्लस US प्लस पाकिस्तान एंड तालिबान. मजे की बात यह है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, उसको ये पीस प्रोसेस में नहीं ला रहे. सो इंडिया इज नाउ एडवोकेटिंग फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, कि वी आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन द पीस प्रोसेस, बट इट शुड बी बाय अफगान्स एंड फॉर अफगान्स.
And it should include involvement of the contemporary government of Afghanistan as well. Why contemporary government is not invited on stage? पहली चीज़ तो ये weak है और दूसरी चीज़ तालिबान कहता है कि आज भी हम वहाँ की हुकूमत हैं. जो present government है, it is not a legitimate government. Therefore, we are not going to negotiate anything with those people. India says, calm down. Let them also come on board because it should be an Afghan-dominated peaceful solution. Afghan-dominated peaceful solution. That is a solution by Afghans for Afghans. Clear? Or without inviting the legitimate government which is right now present in Afghanistan, that will not be a comprehensive solution, and that is why India is objecting it. Can you associate the fact now? Another thing. Since United States is very eager to go out of Afghanistan and they want to quickly come out with a deal with Taliban, and this deal will be mediated by Pakistan. पहले United States was adopting a policy कि हम धीरे-धीरे पाकिस्तान को isolate कर देते हैं. But now because they want to escalate coming out, they have again brought Pakistan to central stage. तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ट्रंप चचा को हमारी बहुत ज़रूरत है. Pakistan is thinking that we are very crucial for United States. But the thing is this, they started telling United States from informal channels that we might not help you in true earnest if you are silent on the Kashmir issue. Jo India ne Kashmir ko, Jammu Kashmir ko UTs mein convert kara hai, and jo Article 370 ka status inhone abrogate kiya hai, we are not happy with this. And United States should criticize India on global platform. Otherwise, we might not help United States in true earnest. All right, but again, जैसे ही ट्रंप साहब कुछ बोलने वाले होते हैं मोदी जी, so that is why United States is still refraining from coming out in clear about the Kashmir. इसलिए वो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि it is a religious issue, it is that issue, that is all secondary. So this is the entire Afghanistan problem. Is it clear now? All right. किसका? Islamic State. Islamic State is also claiming itself to be a legitimate party in Afghanistan. तो अगर Islamic State Afghanistan की तरफ आया, तो Taliban के सामने एक और power आ गई. Again the country will be in a power tussle will be again there. No, the Shia population is with the elected government, but majority tribal population is Pashtun and they are Sunni. So there is Shia-Sunni conflict again. So Taliban wants to keep that alive? Yes. Yes. Sorry. Iran has a direct contact with Russia and the government. Iran has a direct contact with? Has direct contact with Russia and Europe. But then, jo Turkmenistan hai, wo area ek to feasible nahi hai, and wahan se support nahi mil raha main. Central Asia is still in the grip of China. नहीं आएगा. Central Asia में जो हमारा देश, जो हमें सही रास्ता जो मिल रहा है, वो वहाँ अफगानिस्तान ही मिल रहा है. और चलो ईरान से भी मिल जाए, लेकिन अफगानिस्तान में जो आपने गार्लैंड हाईवे, जो आपने वो डेलमान रेलवे लिंक है, उसमें जो पैसा लगा रखा है, वो किस काम का फिर? We already started huge investment in there. Yes. चलिए. Next. Next important news was related to Char Dham Highway. ठीक है, दो तीन टॉपिक हैं, वो और कर लेते हैं फटाफट. Yes. नहीं, तालिबान, see, तालिबान is bound to sign. तालिबान is not bound to sign. लेकिन तालिबान को पता है कि US अब ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, तो किसके किसके पाले में गेंद है तालिबान के में. तो तालिबान want to get maximum benefit. That's it. चलिए, there was another news related to Char Dham Highway. ये थोड़ा pre से related है, इसको देख लो फटाफट. Char Dham Highway, what is this scheme? कौन सी government की scheme है ये? Union government, alright? This is a central government scheme worth 12,000 crore rupees, and they want to create double lane highways. Highways connecting important pilgrimage, sites in UK.
उत्तराखंड, ठीक है, देसी यूके. दिस विल रिजल्ट इन टू डेवलपमेंट ऑफ 900 किलोमीटर्स ऑफ डबल लेन हाईवेज इन उत्तराखंड एंड इट विल कनेक्ट द फोर धाम्स. कैन यू नेम द फोर धाम्स? एक सेकंड. ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट इट, एवरीबॉडी इज करेक्ट. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. व्हाई इज केदारनाथ फेमस? अरे मित्रों गए हुए थे वहां पे. इलेक्शन से पहले वाले दिन तपस्या करी थी. सेकेंड नंबर पे इंपॉर्टेंस है सारा अली खान, फिल्म आई थी. मित्रों को मत भूलो. सो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, दीज आर द फोर धाम इन उत्तराखंड विच विल बी कनेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर स्कीम और द प्रोजेक्ट. नाउ यूपीएससी ने अगर यहाँ थोड़ा सा ट्रिक पूछा आपसे तो ये पूछेगी द फोर इंपॉर्टेंट धाम्स वर इन न्यूज, अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट अगर आपको ऑर्डर देखना है तो सबसे वेस्ट में कौन सा है? सबसे वेस्ट में है यमुनोत्री, सेकेंड गंगोत्री, देन बद्रीनाथ एंड केदारनाथ. ऑलराइट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट्स यमुनोत्री. वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ. यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ नहीं आएगा, पहले केदारनाथ आएगा. केदारनाथ, केदारनाथ, केदार ऐसे यमुनोत्री, यहाँ गंगोत्री, यहाँ बद्रीनाथ, यहाँ नीचे केदारनाथ है. सो इट विल बी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ये याद रखना, ठीक है. एंड अगर गलती से नॉर्थ साउथ पूछ लिया तो बहुत ही स्लाइट डिफरेंसेस से नॉर्थ साउथ है, वो भी लिख लो. अगर इसको नॉर्थ साउथ अरेंज करना होगा तो सबसे हाइट पे है गंगोत्री, सबसे हाइट पे गंगोत्री. ऑल्टीट्यूड नहीं, मैं नॉर्थ पे ले जा रहा हूँ आपको, ठीक है. गंगोत्री, गंगोत्री इज नॉर्दर्न मोस्ट. थोड़ा सा नीचे आएंगे टूवर्ड्स वेस्ट, ये पड़ेगा यमुनोत्री, देन बद्रीनाथ, और सबसे साउथ में इन चारों धाम में कौन सा है? केदारनाथ, ठीक है. अगर प्री में इंफॉर्मेशन आती है तो दैट इज वॉट इट वॉज, दैट इज वॉट यू हैव टू कवर. All right. Then another important thing, slightly related to your pre-examination, is not pre, even in main science and tech, it can be asked, and this is about the multi-drug resistant TB. Because this particular week there was a drug that has been approved by the Federal Drug Agency of United States, and the name of that drug is pretemoid. क्या है? प्रीटोमानिड, प्री, ऑल राइट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, प्रीटोमानिड. दिस इज द ड्रग विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द फेडरल ड्रग एजेंसी ऑफ यूएस टू बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद बीडाक्विलिन, बीडाक्विलिन एंड बीडाक्विलिन और दूसरी कौन सी ड्रग है? तीन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बनेगा ये ट्रीटमेंट, लिनेजोइड, लिनेजोइड, ठीक है. यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल ड्रग एजेंसी ने प्रीटोमानिड को तीसरा ड्रग डिक्लेयर किया है विच इज टू बी टेकन इन कंजंक्शन विद बीडाक्विलिन एंड लिनेजोइड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. इसका बेनिफिट क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा आपको अभी, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है विच इज बेसिकली नोन एज DRTB, इट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स. वन इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR एंड सेकेंड इज एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट XDR. There are two types of drug resistant TB. One is MDR, multi drug resistant, and second is extensively drug resistant XDR. All right. What is the TB? Is viral or bacterial? Bacterial. It is caused by the bacteria Mycobacterium.
tuberculosis. All right, it is caused by this bacteria, mycobacterium tuberculosis. TB attacks what organ of the body? There are two type of TB. Pulmonary TB will affect lungs, and then there are extra pulmonary TB that can affect some other organ like kidneys, brain or spine. Kidney, brain, spine. In may be TB milti hai. That is known as extra pulmonary TB. Jo lungs mein TB milti hai, that is pulmonary TB. Alright? So MDR TB can be, jo drug resistant TB hai, wo kahin pe bhi ho sakti hai. TB infection do tarike ka ho sakta hai. Ek TB infection aapko bimar kar sakta hai, bahut bimar kar sakta hai. Aur dusra TB infection doesn't make the person sick. Usko bolte hai latent TB. That is known as, so TB is of two type. Ek disease ke taur pe hai aur ek infection ke taur pe hai. Ek disease ke taur pe hai aur ek infection ke taur pe hai. Jo disease ke taur pe hai, it is TB disease, TBD. Alright, and this is latent TB infection, LTBI. Latent, hidden. You don't know you have TB, but there is. According to some research, on an average, every Indian has latent TB inside him. Because we were very poor before. मतलब हमारे जब ये जो British होते थे ना, उस time पे हम गरीब थे. गरीबों की बीमारी होती है TB, ठीक है? अमीरों को apnea होता है, है ना? Anxiety होती है. गरीबों को TB. Alright. So there are two type of TB. One is TBD, that is TB disease. Other is latent TB infection. अब बात आती है कि drug resistance आता क्यों है? Why drug resistance is there? There are multiple reasons. The first reason for drug resistance is that when people do not complete their antibiotic course. जब लोग बाग अपने antibiotics को properly लेते नहीं, doctor की सलाह के हिसाब से पूरा course complete नहीं करते. At that time, the infection evolves, all right, and it develops anti-drug resistance. It drug resistance develop कर लेता है कोई भी चीज. Like for example, आज दिन का temperature 30 degree है, एकदम से शिमला की तरफ से काले बादल आए, बारिश हुई, ठंड बढ़ गई, बीमार पड़ जाते हैं या नहीं पड़ जाते हैं? लेकिन जब gradually गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं, तब बीमार नहीं पड़ते. So there is a gradual change and then there is a sudden change. In case of drug abuse, antibiotics abuse, there is a gradual decline in the population of TB bacteria. TB bacteria ko, like suppose karo ki there is certain amount of concentration C required to kill a TB bacteria. Lekin aapne usko C by 5 concentration di hai. तो वो बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी, वो बैक्टीरिया को थोड़ा सा डैमेज कर देगी. अब बैक्टीरिया को पता है कि सी नाम का एक ड्रग है जो मुझे किल कर सकता है, तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा. दिस इज इवोल्यूशन. व्हेन यू डू नॉट कंप्लीट योर एंटीबायोटिक्स कोर्स, आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है उस मेडिसिन के खिलाफ. So the first reason for development of drug resistant TB is that when you do not complete, when the people do not complete the complete course of antibiotics as prescribed by the doctor, number one. Second, when they do not take, second reason is when people do not take the combination of drugs advised by the doctor. Jo physician hai, wo jis combination mein drugs ko batata hai, aap us combination mein nahin lete. Like for example, एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करने के लिए यू नीड टू टेक 3 कॉम्बिनेशंस. यू नीड टू टेक सेकेंड लाइन ड्रग, यू नीड टू टेक ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब जो ड्रग एमडीआर टीबी है, इट इज रेजिस्टेंट टू द फर्स्ट लाइन ड्रग्स. तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स तो आप लेंगे, उसके साथ में यू नीड टू टेक सम अदर थिंग सो दैट इट बिकम्स एक्टिव. सो बेसिकली उसे फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बोलते हैं. अगर आप डॉक्टर का प्रिस्क्राइब कॉम्बिनेशन नहीं लेते तो एक ड्रग से बैक्टीरिया मरेगा नहीं, और फिर वो क्या चीज डेवलप कर लेगा? रेजिस्टेंस. सो व्हेन यू डू नॉट टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन. सेकेंडली यू डू नॉट कंप्लीट द कोर्स. दो रीजन हो गए ड्रग रेजिस्टेंस.
Third reason, poor quality drugs. When you take poor quality drugs, all right, एक दवाई 150 रुपए की, दूसरी दवाई 50 रुपए की, तो इफेक्ट कौन सा बेटर करेगी? 150, है ना? गलत मेंटेलिटी हमारी. जेनरिक मेडिसिन भी अच्छी होती है, ठीक है, बट वो इफेक्ट नहीं करती. सो व्हेन यू टेक पुअर क्वालिटी ड्रग्स, दैट ऑल्सो डज नॉट किल द बैक्टीरिया, रेदर हेल्प हिम डेवलप रेजिस्टेंस. ऑलराइट, नेक्स्ट आफ्टर दैट अनदर थिंग, नेचुरल प्रोसेस. भाई कई बैक्टीरिया बाई नेचर ऐसे होते हैं कि वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं. इवोल्यूशन इज अ नेचुरल प्रोसेस. Evolution is a natural process. So by nature also, they ought to evolve. और वो उस evolution को आप रोक नहीं सकते. बाकी जो चीजें हो रही हैं, artificial evolution को आप रोक सकते हो, natural evolution को आप नहीं रोक सकते. So natural evolution is yet another thing. And one biggest reason is that TB का पूरा course is very long. It takes 1.5 to 2 years to complete the TB course. जो TB के एंटीबायोटिक होती है ना, वो 5-6 दिन की नहीं होती. जो अपने बाकी इन्फेक्शन होते हैं, 5 दिन एंटीबायोटिक ली थी, बस बंद. इट इज अ कोर्स ऑफ अराउंड 1.5 year, 2 years. एंड उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं. सो पीपल डेलिबरेटली लीव द कोर्स इन बिटवीन, बिकॉज इट इज अ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट कोर्स अलॉन्ग विद मेनी साइड इफेक्ट. बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस people are resulting into drug resistant TB. You know, even taking excessive drug is bad. Why? Because when you take a antibiotic, uska sirf 20 to 25% drug aapki body use karti hai. Remaining 75 to 80% drug is then passed out in case of in urine and excreta. अब यूरिन एक्सक्रीटा में बैक्टीरिया भी जाएगा और ड्रग भी जाएगा, एंड दैट गोज एंड मिक्सेस इन सीवर. अब सीवर में मिक्सिंग की वजह से जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगी, और आपको पता है डाइल्यूट ड्रग बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा. दैट विल हेल्प हिम डेवलप इम्यूनिटी. व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. ठीक है, गाना गाते हुए बैक्टीरिया इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है. दैट इज ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. चलिए आगे. सो you got what are the reasons? These are the reasons for development of drug resistant TB. Now there are two type of drug resistant TB. One is multi drug resistant, second is extensive drug resistant. Multi drug resistant TB is the one which is resistant to first line drugs. Which is resistant to first line drugs. What are first line drugs? जो पहली बार में टीबी को क्योर करने में दिए जाते हैं. दो तरह के फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं. वन इज आइसोनियाज़िड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. द फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर यस आइसोनियाज़िड ISONIAZID आइसोनियाज़िड. एंड सेकेंड इज रिफेम्पिसिन रिफ एम्पिसिन. ये दोनों ड्रग्स कौन से ड्रग्स हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग्स. याद रखने पड़ेंगे. फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि टीबी के ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, दे आर आइसोनियाज़िड एंड रिफ एम्पिसिन. दीज आर, अगर कोई भी टीबी इन दोनों में से किसी भी चीज के लिए रेजिस्टेंट हो गई, दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. इट कुड बी जस्ट आइसोनियाज़िड, इट कुड बी जस्ट रिफ एम्पिसिन, और इट कैन बी बोथ. दैट विल रिजल्ट इन टू डेवलपमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. ऑन एन अराउंड पूरी दुनिया में 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से प्रभावित हैं. पूरी दुनिया में 4.5 लाख पीपल आर देयर विच आर अफेक्टेड बाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट. और इन 4.5 लाख लोगों में 24% इंसान कहाँ मिलेंगे? इंडिया में. ठीक है, हम सबको अकोमोडेशन देते हैं, आओ. द सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज 54%. 100 में से 46 लोग मृत हो जाएंगे, सिर्फ 54 लोग बचेंगे. द सक्सेस रेट ऑफ दिस ट्रीटमेंट फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज जस्ट 54%. ऑलराइट, 54% इज द ट्रीटमेंट रेट. 46 people will die, 54% 54 people will survive out of every 100 people.
देन अगर आप जो ड्रग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को क्योर करने में काम आते हैं उनसे भी रेजिस्टेंट हो गए तो उस टीबी को बोलते हैं एक्सटीआर टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, दैट इज इट इज अ टीबी विच इज रेजिस्टेंट टू द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, यानी ये एमडीआर टीबी भी है. अलोंग विद दिस इट इज रेजिस्टेंट टू द सेकेंड लाइन ड्रग्स, it is resistant to second line drugs. Second line drugs consist of three important medicines jinka aapko naam yaad rakhna hai jinse resistance aati hai. Capreomycin, amikacin and kanamycin. ये सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं, कैप्रियोमाइसिन, एमिकेसिन एंड कैनामाइसिन. दीज आर द सेकेंड लाइन ड्रग्स. ऑलराइट, इनसे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो क्या हो जाएगा? एक्सटीआर टीबी. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबीज. ऑलराइट, अभी जो एक्सटीआर का ट्रीटमेंट है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू मेडिसिन. वन इज बिडाक्विलिन and the second is linezoid. Bidaquilin and linezoid का treatment 18 से 24 महीने तक चलता है, मतलब 1.5 साल से 2 साल तक. And it has severe side effects, like there is deafness, आदमी बहरे हो जाते हैं, they become blind because of glaucoma like feature. All right, neuropathy, जो optical nerve है वो press हो जाती है, people become blind because of this treatment. Getting my point? So they have very big side effects. And sochi aisi side effect wali dawai you have to take for 1.5 to 2 years. People don't take. So abhi jo naya drug discover hua hai, that is pritomanet, that will reduce this time of 1.5 to 2 years to just 6 months. Alright, so that is important. That was in news about pritomanet. Alright, another important thing that was in news was tirurbetila. Can you tell me what it is? Tirurbetila. बाईस तारीख के हिंदू में कोने में छुपके बैठा था इतना सा एक इंफॉर्मेशन, दैट इज tirurbetila, और वही पेपर में आ जाएगा. TI, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही चीजें देखनी जो छुपके बैठी होती है साइड में. Tirurbetila. Tirurbetila is A. banyan tree, B. peepal tree, C. neem tree, D. beetle tree. Paan ka patta. ठीक है? Alright. So it is a bitter leaf. This tirurbetila, it is a bitter leaf. Beetle mein B-E-T-E-L, bitter leaf. Paan, jo paan ka patta hota hai, se bitter leaf bolte hai. Tirurbetila is a bitter leaf which has been given geographical indication. It has been given geographical indication from Kerala. Kerala mein ye जो पान का पेड़ है ये मिलता है केरला इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट्स. उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया है. ऑल राइट, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. दिस पर्टिकुलर बीटल लीफ, इट हैज अ ऑयल दैट गिव्स इट अ स्पेशल टेस्ट एंड दैट ऑयल इज, उस ऑयल का नाम लिख लो आप. And the name of the oil is eugenol. E-U-G-E-N-O-L. Eugenol is the oil present in this bitter leaf that gives it a pungent taste. Because of a peculiar taste which is found only in the plant, beetle plants found in Mallapuram district. This particular bitter leaf has been given geographical indication. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडिया में किस एक्ट के अंडर मिलता है? पेटेंट एक्ट,
जी आई एक्ट ऑफ 1990, पेटेंट एक्ट में नहीं कवर्ड है जी आई, ठीक है? ऑलराइट, सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स. Alright, geographical indication in India is provided by geographical indication of goods protection and registration act 1999. Protection and registration act 1999. Alright, and who gives this? It is given by Comptroller of Patents. Alright, it is given by Comptroller of Patents. Or India mein patent ki registry kahan located hai? Where is patent registry, not patent, geographical indication registry located in India? Ye important factor likh lo, Chennai mein hai, write down. In India, patent, sorry not patent, yes, geographical indication registry or geographical indicator registry is located at Chennai. Kitne din ke liye milta hai? 10 saal. It is, GI indication is given for 10 years. And it can be renewed again for 10 years. It can be renewed again for 10 years. But it may be possible that the government may not renew it after 10 years. What is the purpose or benefit of giving geographical indication? It helps in product, it helps in exports. It helps in exports. Apart from that, it also gives recognition to the producer. It helps in economic uplifting of the producer of that particular good. It helps in identification of authentic product. It helps in identification of quality. जैसे हम होते हैं ना कोल्हापुरी चप्पल, even they have some quality, है ना? पिताजी के लिए वो कभी टूटती नहीं, बच्चे के लिए उससे अच्छा कुछ लगती नहीं, है ना? It has a quality. So it helps in various dimension. For example, it helps in export. It helps in protection of the interest of the people who produce it. It gives recognition to the product. Then it is the hallmark of genuinity, and it also results into economic prosperity of the producer of that particular commodity. Clear? All right. So that was about the Tirur Vetila. That was about the Tirur Vetila. Now. तिरुपति प्रसाद को तो था मुरुगम, दैट्स इन केरला अगेन, तमिलनाडु, मुरुगम टेंपल, आई मिस्ड इट, सो देखिए. ऑलराइट, ओके, नाउ वन मोर थिंग बिफोर वी डिस्पर्स, इस वीक का प्रीपंच, वीक नंबर 3 का प्रीपंच रेडी हो गया है, आप लेते हुए जाना. इसमें यू विल बी लर्निंग अबाउट निष्ठा प्रोग्राम, यू विल बी लर्निंग अबाउट सरल इंडेक्स, लेमरू एलिफेंट रिजर्व. कहाँ रहा है लेमरू एलिफेंट रिजर्व? छत्तीसगढ़, ठीक है? ये पन्ना पढ़ते हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जामिनेशन, ठीक है? देन इंटरनेशनल अफेयर्स में यू विल बी लर्निंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज समिट ऑफ बेसिक नेशन. बेसिक इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. ऑलराइट, देन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. सोशल इश्यूज में यू विल बी टॉकिंग अबाउट नाइट्रेट एक्सपोजर इम्पैक्ट, कॉनकन बायलेटरल एक्सरसाइज, बियर शीट, जस्ट हैव अ लुक एट इट, ठीक है? अब आपकी जो मन में बुलबुला था वो फूट रहा था कि आज टेस्ट क्यों नहीं हुआ, है ना? टेस्ट इसलिए नहीं हुआ, टेस्ट अगले वीक हो जाएगा, ठीक है? तैयार रहना. नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग इज, जो आपका प्रीपंच होता है ना, मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग इट, या उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते, फिर देख लेंगे आगे. अब इसको पढ़ो, अगले वीक का टेस्ट हो सकता है इसी से पूछा जाए, अलोंग विद सम अदर टॉपिक्स जो हम आज कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सो वी कैन डू दिस थिंग, सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू, बाय.